तो मैच अभी के लिए हमारा शुरू हो चुका है, तो बात करते चले यहाँ पे एलम जीगॉट जो अभी के लिए एक बगी लेके यहाँ पे निकल के जाते हैं। एसजी की बात कीजिए, एसजी की तरफ से आई गेस यहाँ पे एक दो नॉकआउट्स हमें जरूर देखने को मिले, तो सीधा हम एसजी की तरफ एक बार जरूर जाना चाहेंगे। जी हाँ, 20 टोपी अभी के लिए एक फिनिश पॉइंट यहाँ पे ज़रूर निकाल चुके हैं एस जी। एडी ओ पी यहाँ पर इनके साथ 7 शॉट, एसिड बर्न यहाँ पे इनके साथ रहेंगे, साथ में बिल्कुल मनो ओपी रहने वाले। ग्राउंड की अगर बात करते चलें, बिल्कुल फार की टीम यहाँ पे इनके सामने रहेगी। मनो ओपी यहाँ पे स्लाइटली क्लोज इन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। फार इटाची की ही बात की जाए, फार बीस्ट यहाँ पे एक M16 के साथ देखने को मिलता है। वहीं फार इटाची का आप देखते चलें तो बिल्कुल कुछ ये इनविजिबल हमें हो चुके हैं। फियर की बात की जाए, फियर की तरफ से उस्मान पे एक नॉकआउट जरूर देखने को मिलता हो। आई एम उस्मान यहाँ पे 7S के बिल्कुल कंफर्म कर दिए जाएंगे, नॉक इन कंफर्म यहां पे नहीं किया जाएगा। नेक्सस पास की बात की जाए, बिल्कुल यहां पे नेक्सस की टीम अभी के लिए ये लोग भी फाइट में एंगेज हो चुके हैं। यहां पे आईटी के एजान पे एक नॉकआउट जरूर निकाला जाएगा। मेडिक की बात करते हैं, बिल्कुल टीम्स यहां पे इस सेम ड्रॉप लोकेशन पे हमें देखने को मिलती हुई, एक नेड यहां पे जरूर जाता है। स्पास यहां पे बैक एंड क्लोज इन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आईटी की वही बात की जाए, बिल्कुल एजान जो डाउन पड़े थे, रिवाइवल यहां पे मिल चुका है, कि शॉटगन यहां पे इनके पास रहने वाली। बिलीवर यहां पे फियर पे एक नॉकआउट जरूर निकालेंगे, फियर को यहां पे बिलीवर की तरफ से पूरा कंफर्म कर दिया जाएगा। फार्टू सुन के ही बात करते हैं, बिल्कुल ये लोग यहां पे निकल के स्कॉर स्पॉट से जरूर जाना चाहेंगे। एलएम के फियर यहां पे कंफर्म हो चुके हैं, स्पाइर राइजन यहां पे, एलएम जी गॉड यहां पे इनके साथ रहेंगे। वार की टीम बिल्कुल यहां पे इसी स्पॉट पे देखने को मिलती हुई। बिलीवर की वहीं बात करते हैं, बिल्कुल नेक्सस मैडी की तरफ एक बार चलेंगे। मैडी यहां पे बिल्कुल एक और नॉकआउट जरूर निकालते हुए नजर आएंगे। सामने बिल्कुल टीम की दिक्कतें बढ़ती हुई, इस राइजन की अगर बात की जाए, खलीफा पे एक नॉकआउट। आईटी हॉक की बात की जाए, आईटी की टीम बिल्कुल यहां पे नेक्सस के पे नॉकआउट जरूर निकाला, लेकिन एजान को अभी के लिए पूरा कंफर्म कर दिया जाएगा। यहां पे वैनम भी डाउन कर दिए जाएंगे, हॉक यहां पे डाउन पड़े, रूमी अकेले आएंगे, अपनी टीम के बचाव देखना पड़ेगा। रूमी यहां से निकल के जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बैक एंड यहां पे मेडी की तरफ से इन्हें पिक किया जाएगा, कंफर्म यहां पे किया जाएगा, तो पूरी टीम यहां पे इनकी भी कंफर्म होकर जाती हुई। नेक्सस पास की वहीं बात करते चलें, तो बिल्कुल इनके पास आई गेस यहां पे एक नॉकआउट जरूर देखने को, अभी के लिए बिल्कुल रिवाइवल मिलता हुआ, पूरी टीम यहां से 4 फिनिश पॉइंट जरूर लेके जाएगी। टीम नंबर 6 की वहीं बात करते चलें, 70 सॉर्कस यहां पे, डार्क डब्ल्यूडी 70 स्टॉक यहां पे। 5mm की टीम की तरफ अगर चलते हैं तो बिल्कुल यहां पे इनकी भी पूरी टीम हमें यहां पे देखने को मिलती हुई। 18 टीम्स हमारी यहां पे इस मैच में। सर्कल हमारा पहला कट चुका है, लॉस लियानिस के एरिया प्लेज उनके चुम्मा सिरा वैली डेलमार, तो बिल्कुल ये सारे एरियाज प्लेज उनके अंदर हमें अभी के लिए देखने को मिलते हुए। तो अभी तक बिल्कुल एक टीम हमारी इस मैच से कंफर्म हो चुकी है, आईटी की टीम विदाउट एनी फिनिश पॉइंट, ये लोग यहां से फिनिश होके जा चुके हैं। तो अब देखना पड़ेगा एचएमयू की तरफ अगर हम चलते हैं, तो बिल्कुल एचएमयू अमान यहां पे, बिल्कुल एसजी की बात कीजिए, एसजी की तरफ से एक और नॉकआउट हमें देखने को मिलता है। सीधा हम एसजी की तरफ चलेंगे, सामने बिल्कुल एक्सेट पैरा, यहां पे पीबीएस के गनर डाउन पड़े, जो बिल्कुल ओपन आई गेस यहां पे पैरा भी डाउन पड़े हुए, गनर भी यहां पे डाउन, दो प्लेयर यहां पे डाउन। मुनो की बात की जाए, मुनो यहां पे एक्सेट पैरा को यहां पे पूरा कंफर्म करेंगे, तो पैरा यहां पे बिल्कुल कंफर्म होकर जाते हुए टू मैन स्क्वाड के साथ पीबीएस यहां पे अब देखने को मिलते हुए। एसिड बर्न की तरफ से बिल्कुल यहां पे कंफर्म किया जाएगा, एक और फिनिश पॉइंट यहां पे एसजी बीस्ट ओपी लेके जाते हुए। अगर यहां पे हम बात करें तो 2v4 का ये सिनेरियो जरूर बनता हुआ नजर आ रहा। बिल्कुल फ्रैगर की बात करते चलें, सामने की तरफ यहाँ पे एग्जॉटिक यहाँ पे इनके साथ जरूरेंगे, लेकिन मुनो ओपी सामने बिल्कुल यहाँ पे गाड़ी लेके क्लोज इन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे मुनो ओपी की तरफ से पूरी टीम को कन्फर्म किया जाएगा या नहीं। अच्छा बिल्कुल टोटल 18 टीम्स अभी भी यहाँ पे लग गया। एक्सॉटिक यहाँ पे ऊपर में निकल के जाते हुए, मुनो की तरफ से वीएसएस के शॉट्स यहाँ पे जरूर पड़ते हुए, डैमेज यहाँ पे जरूर दिया जाएगा, हेल्थ यहाँ पे बिल्कुल काफी इनकी डाउन रहने वाली। तो हमारे साथ नॉडियर वर्ड जुड़ चुके हैं, उनका कहना है कि शो रोर, तो रोर को यहाँ पे जरूर दिखाया जाएगा। रोर कौन सी, आई गेस 4F रोर की अगर आप बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल 4F रोर यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी और कोई रोर अगर है टीम, तो बिल्कुल आप वो भी बताइए। तो फार टू सोन की अगर बात करते हैं, बिल्कुल फार टू सोन की टीम पे 2 नॉकआउट यहाँ पे देखने को मिलते हुए। टीम फार की तरफ से अगर ब्लीवर की बात करते हैं, ब्लीवर यहाँ पे आई गेस यहाँ पे नॉकआउट जरूर निकालेंगे। इटाची की तरफ से योर साहिल को भी डाउन किया जाएगा, ब्लीवर को जल्दी यहाँ पे स्पॉट की तरफ क्लोज इन करना पड़ेगा। वाजिद की अगर बात कीजिए, बिल्कुल एक मोलोटॉव के साथ योर साहिल को भी कन्फर्म कर दिया जाए।
जाएगा। एडी की बात करते हैं, पॉइंट ब्लैंक एक्सॉटिक को यहाँ पे डाउन किया, फ्रैगर को भी यहाँ पे इनकी तरफ से पूरा कंफर्म कर दिया जाएगा, तो फ्रैगर भी यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म होके जाते हैं। वार की बात करते हैं, वार इनसेन तो एक नॉकआउट यहाँ पे ये भी निकालते हुए नजर आएंगे। टीम एलएम के एक प्लेयर को बिल्कुल इनकी तरफ से पूरा कंफर्म कर दिया जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे इनकी भी ये अभी के लिए यहाँ से कंफर्म होकर जाते हुए सामने। अगर ग्राउंड की बात करते हैं, एलएम यहाँ पे अभी भी टू मैन स्क्वाड के साथ देखने को मिलती हुई, एक फर्स्ट एड किट यहाँ पे जरूर इनकी तरफ से यूज होती हुई नजर आ रही। अच्छा बिल्कुल, वार की हम बात कर रहे थे, एक फिनिश पॉइंट अभी तक टीम पे देखने को मिलता हुआ सामने। अगर बात करते हैं बिल्कुल टीम एलएम टू मैन स्क्वाड के साथ यहाँ पे इसी स्पॉट पे देखने को मिलते, नेड यहाँ पे एक गॉडफादर की तरफ से जरूर जाता हुआ देखना पड़ेगा, इस नेड का डैमेज कुछ पड़ेगा या नहीं। क्या बिल्कुल बात करते हैं, गॉडफादर अभी के लिए निकल चुके हैं ओपन की तरफ सामने। बिल्कुल एलएम जी गॉड यहाँ पे कवर के एरिया में जरूर होल्ड किया नजर। जी बिल्कुल, शॉर्ट्स यूएमपी 45 का हल्का सा स्प्रे जरूर दिया जाएगा लेकिन डैमेज यहाँ पे नहीं पड़ेगा। स्पाइराइजन की बात की जाए, बिल्कुल यहाँ पे एक अच्छा टीपीपी लिए हुए पूरी टीम बैठी हुई। अब देखने वाली बात है कि क्या यहां पे इसी स्पॉट की तरफ इनका क्लोज इन किया जाए, कि मोलोटोव सामने की तरफ जरूर एलएमजी गार्ड की तरफ से जाता हुआ देखना पड़ेगा। डैमेज यहां पे नहीं पड़ने वाला क्योंकि टीम में तीनों प्लेयर यहां पे टाइमली इस स्पॉट से निकल के जा चुके हैं। 2v3 का ये सिनेरियो अभी के लिए बनता हुआ, एक और नेड यहाँ पे जाता हुआ, जी बिल्कुल एक मोलोटोव यहाँ पे ट्रेड में दूसरी तरफ से भी आता हुआ, डैमेज यहाँ पे जरूर पड़ेगा। वार की बात की जाए, वार यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही यहाँ पे इस कवर को तोड़ने की। अब देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे ये लोग यहाँ पे स्पॉट पे जा पाएंगे या नहीं। जी बिल्कुल, अभी की बात करते यहाँ पे ड्राइजन पे डैमेज पड़ता हुआ, एक्सजी गॉड की बात की जाए, बिल्कुल यहाँ पे ये शॉट देंगे, एक नॉकआउट निकाला, दूसरा नॉकआउट यहाँ पे निकाला, 1v1 का ये सिनेरियो बनता हुआ। बिल्कुल यहाँ पे वार की पूरी टीम को कंफर्म किया जाएगा, 1v3 यहाँ पे एलएम ईजी जॉर्ड यहां पे निकाल के लेके जाते हुए पूरी टीम को यहां पे कंफर्म किया। वार की अगर बात की जाए तो बिल्कुल यहां पे एक सिचुएशन कड़ी सिचुएशन के लिए बनी हुई थी क्योंकि बिल्कुल कवर में यहां पे टीम टीपीपी का यूज यहां पे भरपूर किया जा रहा था, तो बिल्कुल पूरी टीम को यहां पे कंफर्म किया जाएगा। तो एक और टीम हमारी यहां पे फिनिश होकर जाती हुई। सर्कल की बात करते हैं, बिल्कुल यहां पे पहला सर्कल हमारा कट चुका है, लॉस लियानिस के एरिया बिल्कुल प्लेज उनके अंदर यहां पे रहने वाला। रेज गॉड की बात की जाए, बिल्कुल एक गॉड पे एक फिनिश पॉइंट नॉकआउट यहां पे देखने को मिलता है, एजरियल यहां पे डाउन पड़े। टीम गोस्ट ओपी की बात करते हैं, बिल्कुल कातिल यहां पे इनके साथ गोस्ट ओपी के सामने इसके एलएम की टीम बिल्कुल स्लैमिंग करते हुए नजर आ रही है, देखना पड़ेगा क्या। बिल्कुल शॉट यहां पे जरूर, एक नॉकआउट यहां पे जरूर निकाला जाएगा, क्रॉस को यहां पे बिल्कुल डाउन किया जाएगा। गॉड की अगर बात करते हैं, बिल्कुल यहां पे गोस्ट ओपी को भी अभी के लिए जरूर डाउन किया जाएगा, दो प्लेयर यहां पे डाउन, कातिल अकेले अपनी टीम के, कातिल की तरफ से एलून को पिक किया जाएगा, यहां पे एक नॉकआउट जरूर निकाला जाएगा। सामने अगर बात करते चलें एलएम की, तो एलएम के भी दो प्लेयर यहां पे डाउन पड़े हुए। जी हाँ बिल्कुल, रेज गॉड की अगर बात करें, कातिल को यहाँ पे पिक किया, कातिल को कंफर्म किया, रिवाइवल यहाँ पे मिलता हुआ, तो बिल्कुल एक और टीम हमारे यहाँ से इस मैच से कंफर्म होकर जाती है। एलम फ्रॉस्ट की बात की जाए, एक फिनिश पॉइंट यहाँ पे लाइकन, एक फिनिश पॉइंट के साथ दो फिनिश पॉइंट यहाँ पे रेज गॉड जरूर लेके जाएंगे। 15 टीम्स 53 टोटल प्लेयर्स। डार्की ओपी की बात करते हैं, 70s की टीम यहाँ पे ऑर्कस WD 70s स्टॉक के साथ रहेंगे, 5mm डार्की ओपी, 5mm निंजा, 5mm असॉल्टर, 5mm बम्बर यहाँ पे, 5mm का पूरा स्क्वाड यहाँ पे देखने को मिलता हुआ। जी बिल्कुल, टीम अभी के प्ले जोन के बाहर रहने वाली, तो यहाँ पे निकल के जाना पड़ेगा। ब्लू जोन के बाहर नेक्सस है, तो बिल्कुल नेक्सस की टीम हमारी यहाँ पे रहने वाली, नेक्सस की तरफ भी जरूर स्विच किया जाएगा। तो एक बार पहले एनएसजी की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे एनएसजी स्नैज, एनएसजी राइजन, एनएसजी डिफ्यूज, साथ में WRT शेडियो भी, इनके सामने अभी के लिए कोई टीम हमें देखने को नहीं मिल रही। टीम फार की बात करते चलें, टू मैन स्क्वाड के साथ दो प्लेयर यहाँ पे इनिशियल फाइट में इनके कंफर्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर एसजी की बात की जाए, एसजी यहाँ से 5 फिनिश पॉइंट अभी तक इस मैच से निकाल चुकी है। नेक्सस की तरफ हम सीधा चलेंगे, नेक्सस मैडी बिल्कुल 4 फिनिश पॉइंट यहाँ पे नेक्सस की टीम निकाल चुकी है। मैडी 3 फिनिश पॉइंट के साथ, एक फिनिश यहाँ पे स्पास का रहने वाला। बिल्कुल ये लोग निकल के अभी के लिए स्पास यहाँ पे अपनी टीम की तरफ जरूर जाना चाहिए। स्ट्रीम पे जो लोग जुड़े हैं, स्ट्रीम को लाइक नहीं किया, स्ट्रीम को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। बिलीवर अगर 7S की बात करते हैं, टू मैन स्क्वाड के साथ दो प्लेयर यहां पे इनके कंफर्म हो चुके हैं। टीएस यहां पे फुल मैन स्क्वाड के साथ, ईवो की बात की जाए, ईवो का यहां पे पूरा स्क्वाड रहने वाला। 70S स्टॉक की बात की जाए, बिल्कुल एक नॉकआउट यहां पे स्टॉक की तरफ से देखने को मिलता है। सामने टीम XT रहने वाली, XT के टॉक्सिक ओपी की अगर बात की जाए, बिल्कुल यहां पे डाउन पड़े, बाकी प्लेयर्स काफी दूरी पे इनसे रहने वाले, तो सारे प्लेयर्स को यहां पे जल्दी इनकी तरफ क्लोज इन करना पड़ेगा। बिल्कुल लॉन्ग की ये फाइट हम जरूर कह सकते हैं, देखना पड़ेगा 70S क्या यहां पे क्लोज इन करने के लिए जाती है या फिर XT की टीम जो अभी के लिए बिल्कुल हल्का सा दूरी पे जरूर। ब्लड एक्स बिल्कुल अभी यहां पे टॉक्सिक ओपी की तरफ क्लोज इन करते हुए नजर आएंगे, बिल्कुल यहां पे क्लोज इन करना पड़ेगा, रिवाइवल के लिए यहां पे टाइमली जाना पड़ेगा। वहीं 70S की बात कीजिए, 70S बिल्कुल अपने स्पॉट पे होल्ड किए, बैक एंड यहां पे बिलीवर 7S की टीम, ये लोग भी इसी स्पॉट की तरफ क्लोज इन करते हुए जरूर नजर आ रहे।
बिल्कुल 15 टीम्स, 53 टोटल प्लेयर्स अभी के लिए हमारे इस मैच में जुड़े हुए एनएसजी यहाँ पे फुल मैन स्क्वाड के साथ देखने को मिलती हुई। टीम एलएम की बात की जाए, बिल्कुल एक अच्छा 1v3 इनकी तरफ से हमें देखने को मिला। स्पाइर राइजन यहाँ पे इनके साथ रहेंगे, एसपी राइजन, एसजी यहाँ पे 5 फिनिश ले चुकी है। लेजर की बात करते चले, लेजर की अभी तक हमें फाइट यहाँ पे देखने को नहीं मिली। बीएन स्काई अजर शेख यहाँ पे इनके साथ। सर्कल की बात करते चले, बिल्कुल दूसरा सर्कल हमारा कट चुका है यहाँ पे, चुम्मा सिरा, मिनास्टे वैली, वैली डेमार, लॉस हिगोस, तो बिल्कुल ये सारे एरियाज प्लेज उनके अंदर अभी के लिए हमें देखने को मिलते हुए। तो 15 टीम्स, 53 प्लेयर्स अभी के लिए हमारे। एक्सटी टॉक्सिक भी चलते हैं, तो बिल्कुल रिवाइवल यहां पे मिल चुका है, रिवाइवल मिल चुका है, तो टीम यहां पे बिल्कुल निकल के जाती हुई। एलम फ्रॉस्ट की बात की जाए, यहां पे एलम के पास भी अभी के लिए 4 फिनिश पॉइंट इस मैच में रहने वाले। नेक्सस 4 फिनिश पॉइंट के साथ, ब्लीवर यहां पे 1 फिनिश पॉइंट के साथ। टीएस की बात की जाए, अभी तक यहां पे इनकी कोई फाइट हमें देखने को नहीं मिली, तो स्लोली स्लोली बिल्कुल आप लोग इन लोगों को भी फाइट में जरूर देखेंगे। स्ट्रीम पे अभी के लिए 17 लोग जुड़े हैं, स्ट्रीम लाइक्स काफी कम, तो जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फुल मैन स्क्वाड के साथ टीएस की टीम बिल्कुल गाड़ी यहां पे इनकी रेडी हो चुकी है, निकल चुके हैं ये लोग रोटेट करने के लिए प्लेज उनके अंदर। वहीं इवो की बात की जाए, इवो सलमान जॉर्ड, इवो फैजान जॉर्ड, इवो मैड मैक्स जॉर्ड यहां पे बिल्कुल ये लोग भी निकलते हुए नजर आएंगे। सामने बिल्कुल नेक्सस की टीम जरूर रहने वाली, अब देखना पड़ेगा नेक्सस वाले बिल्कुल इस फाइट के लिए जाते हैं या नहीं। एचएमयू की बात की जाए, एचएमयू भी अभी तक हमें इस मैच में बिल्कुल शांति देखने को मिली। 147 नोवा, एचएमयू बबलू, साथ में एचएमयू अमान और फ्रैगी यहां पे इनके साथ जरूर रहने वाले। 15 टीम से पूरी, 4F रोर हमारे साथ इस मैच में नहीं रहने वाले। 4F की जगह यहाँ पे मुफ्ती विस्की जरूर मिले हुए, विस्की भाई यहाँ पे साथ में, सिनारियो यहाँ पे, हंटर यहाँ पे इनके साथ, 4F स्काई यहाँ पे इनके साथ रहेंगे। गाड़ियाँ बिल्कुल इनके पास काफ़ी रहने वाली, फिलहाल के लिए 4 ही गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, तो 4 गाड़ियों से इनका गुजारा बिल्कुल हो जाएगा। एनएससी यहाँ पे इनके सामने की तरफ जरूर रहने वाली। सर्कल की हम बात कर रहे थे, बिल्कुल 1 मिनट के बाद ब्लू जोन हमारे यहाँ पे श्रिंकिंग होना शुरू हो जाएगा, तो अब टीम्स को यहाँ पे निकल के जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल मैप की तरफ लगभग सारी टीम से यहां पे गाड़ियां लेके निकल चुकी है प्ले जोन के अंदर, सब लोग यहां पे बिल्कुल प्ले जोन के अंदर जरूर जाते हुए नजर आ रहे। बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक की आप बात कर रहे थे, तो पॉइंट ब्लैंक की टीम बिल्कुल फिनिश होके जा चुकी है इस मैच से। आखिर के फ्रेगर आई गेस एग्जॉटिक बचे हुए थे, दो ही प्लेयर, तो बिल्कुल दोनों प्लेयर फिनिश हो चुके हैं। सामने अगर बात करें, बिल्कुल डार्क डब्ल्यूडी की तरफ से एक नॉकआउट यहाँ पे देखने को, डब्ल्यूडी की तरफ से बैक टू बैक दो नॉकआउट यहाँ पे, 3 नॉकआउट डार्क ईओपी की तरफ से भी। बिल्कुल एचएमयू बिल्कुल दिक्कतों में आ चुकी है, 3 प्लेयर यहाँ पे डाउन। अमान की अगर बात करें, अमान को जल्दी यहाँ पे क्लोजिंग करना पड़ेगा, फ्रेगी को भी यहाँ पे बिल्कुल कन्फर्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे 78 एक अच्छी ओपनिंग क्रिएट करती हुई, नोवा भी यहाँ पे डाउन पड़े थे, अब देखना पड़ेगा क्या यहां पे टीम क्लोज इन करने के लिए जाएगी। जी आई गेस यहां पे बिल्कुल लग तो वैसा ही रहा है, यहां पे डार्की ओपी सामने की तरफ क्लोज इन कर चुके हैं, नोवा को जल्दी यहां पे बूस्ट अप करना पड़ेगा। डार्की की दिक्कतें यहां पे बढ़ सकती हैं, डार्की को यहां पे पिक किया जाएगा अमान की तरफ से, यहां पे डाउन किया जाएगा। अगर बात करें 70s के सामने 4v2 का सिनेरियो था, लेकिन फिर भी अकेले यहां पे डार्की ओपी क्लोज इन करने के लिए आए, तो ये थोड़ी सी समझ से बाहर हमारी बात रहने वाली। रेज गॉड की बात करते हैं, बिल्कुल नेक्सस पास पे एक नॉकआउट यहां पे जरूर निकाला गया, 70s को जल्दी यहां पे इस की तरफ क्लोज इन करना पड़ेगा। बिल्कुल नोवा की बात करते हैं, नोवा के पास 7 बैंडेज जरूर रहने वाले, जल्दी यहाँ पे इनको बूस्ट अप करना पड़ेगा। अमान यहाँ पे बिल्कुल स्मोक यार्ड में स्पॉट से निकल के जाना चाहिए, लेकिन नोवा को यहाँ पे 7S वाजिद की तरफ से पिक किया जाएगा, वाजिद यहाँ पे इन पे नॉकआउट जरूर निकालेंगे। यहाँ पे अगर वाजिद की बात की जाए, बिल्कुल ये लोग भी हल्का सा जी स्पॉट की तरफ क्लोज इन किए जा रहे हैं। एचएमयू अमान इनकी हेल्थ भी काफी यहाँ पे डाउन रहने वाली, जल्दी यहाँ पे रिवाइवल के लिए जाना पड़ेगा। डार्की पे अब यहाँ पे बिल्कुल रिवाइवल मिलता हुआ, 7S की इस फाइट से एक नॉकआउट की वजह से बिल्कुल रिवाइवल यहाँ पे जरूर मिलता हुआ, एक नीड यहाँ पे जरूर जाता हुआ। ऑर्कस की तरफ से अब देखना पड़ेगा, लिन की तरफ से एक नॉकआउट यहां पे जरूर, बिल्कुल रोलेक्स की तरफ से अजर शेख को भी अभी के लिए डाउन किया जाएगा। टीएस की टीम बिल्कुल फाइट में एंगेज हो चुकी है, टीएस की तरफ एक बार सीधा चलेंगे। सामने इनके आई गेस लेजर की टीम रहने वाली, लेजर के मोहसिन यहां पे, दो प्लेयर यहां पे, अजर शेख जो बिल्कुल ब्लीड आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल यहां पे कंफर्म होते हुए नजर आ रहे, कंफर्म हो चुके हैं। बाकी अगर पायरस की बात करते चले, ये भी यहां पे डाउन पड़े। मोहसिन की अगर बात की जाए, मोहसिन यहां पे जरूर अपनी टीम के साथ रहने वाले। सामने टीएस बिल्कुल एक फिनिश पॉइंट अभी तक जरूर निकाल चुकी है, रोलेक्स यहां पे सामने की तरफ जरूर निकल के जाते हुए नजर आएंगे। 15 टीम्स, 49 प्लेयर्स यहाँ पे इस मैच में अभी के लिए। डीएस मोहसिन यहाँ पे बिल्कुल रोलेक्स इनके सामने से निकल के जरूर जाते हुए नजर आ रहे, अब देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे पिक कर पाएंगे। लेजर को यहाँ पे जल्दी रिवाइवल के लिए जाना पड़ेगा, पायरो 2K यहाँ पे बिल्कुल डाउन पड़े हुए। 15 टीम्स, 49 प्लेयर। ब्लू जोन की बात करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे ब्लू जोन श्रिंकिंग होना शुरू हो चुका है, तो टीम्स आई गेस यहाँ पे सारी टीम्स प्ले जोन के अंदर यहाँ पे टाइमली पहुंच चुकी है। स्काई की बात की जाए, स्काई के सामने बिल्कुल रोलेक्स यहाँ पे गाड़ी लेके निकल के जाते हुए, यहाँ पे रोलेक्स पे एक नॉकआउट जरूर निकाला जा सकता है, लेकिन
लेकिन यहाँ पे डाउन द रेंज अगर चलते हैं तो लिन वाइटी की तरफ से स्काई को पिक किया जाएगा, स्काई की तरफ से यहाँ पे स्काई को आगे यहाँ पे पूरा कन्फर्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल डीएस मोहसिन आप यहाँ पे अकेले, प्रोफेसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं काफी टाइम के बाद, वेलकम टू द स्ट्रीम। मोहसिन की अगर बात की जाए बिल्कुल यहाँ पे टीएस हुजैफ WNL यहाँ पे इनके साथ जरूर होंगे। पूरी टीम यहाँ पे 3 फिनिश पॉइंट अभी तक जरूर निकाल चुकी है। एक्सटी की बात करते हैं, एक्सटी का यहाँ पे पूरा स्क्वाड रहने वाला टीएस हुजैफ। WNL की बात की जाए बिल्कुल डार्क WD अभी के लिए नो पे एक नॉकआउट जरूर निकालते हुए नजर आएंगे। सेवनस वाजिद की बात की जाए, LM रेज गॉड को यहाँ पे इनकी तरफ से जरूर डाउन किया जाएगा। LM की अगर बात करते हैं बिल्कुल ये लोग भी, सेवनस की टीम भी इसी स्पॉट की तरफ क्लोजिंग कर चुकी है। LM फ्रॉस्ट की अगर OS मोशन भी बिल्कुल यहाँ पे इसी स्पॉट की तरफ हमें देखने को मिलते हैं। नोवा यहाँ पे डाउन पड़े, देखना पड़ेगा नोवा की तरफ रिवाइवल के लिए जाता है कोई या नहीं। ब्लीवर की वहीं बात की जाए, फ्रॉस्ट पे यहाँ पे इनका एक नॉकआउट देखने को मिलता है। लाइकन यहाँ पे बिल्कुल रिवाइवल के लिए जरूर जाते हुए नजर आ रहे। अलून यहाँ पे इनके साथ है, तो यहाँ पे प्रोफेसर FTW की तरफ से 100 रुपीज का सुपर चैट, थैंक यू वेरी मच ब्रो, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएटेड। तो बात करते चले यहाँ पे टीम LM की। LM यहाँ पे 3-man स्क्वाड के साथ रिवाइवल यहाँ पे जरूर मिल चुका है इन पे। बिलीवर यहाँ पे एक फिनिश पॉइंट के साथ, वाजिद का एक फिनिश। बिलीवर के आगे से अगर बात करते चले 3-4 नॉकआउट यहाँ पे जरूर निकालते लेकिन फिनिश में कन्वर्ट नहीं कर पाए। LM फ्रॉस्ट यहाँ पे इनके सामने रहेंगे, फ्रॉस्ट का आप देखना पड़ेगा बिल्कुल स्मोक की आड़ में। बूस्ट अप तो बिल्कुल हो चुके हैं, वेस्ट यहाँ पे हल्की सी इनकी डैमेज जरूर रहने वाली। जी बिल्कुल, LM फ्रॉस्ट यहाँ पे निकल के जरूर जाने की कोशिश करेंगे लेकिन बैक एंड यहाँ पे ने पिक जरूर किया जाएगा। शॉट्स यहाँ पे बिलीवर की तरफ से जरूर पड़ते हैं। लाइकन की बात करते हैं, लाइकन को जल्दी यहाँ पे कवर में जाना पड़ेगा। अभी के लिए लाइकन यहाँ पे हल्का सा रिज की तरफ जरूर पहुंच चुके हैं, कवर यहाँ पे जरूर ने ढूंढना पड़ेगा। 15 teams 46 players बिलीवर जो बिल्कुल ओपन एरिया से यहाँ पे निकल के आते हैं, बिलीवर को यहाँ पे पिक जरूर किया जाएगा। बिलीवर पे यहाँ पे शॉट जरूर दिए जाएंगे। बिलीवर यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा डैमेज इन पे, हल्का कह सकते हैं तो बिल्कुल 50% तो 60% डैमेज यहाँ पे इन पे जरूर पड़ता हुआ। बिल्कुल एक्स ब्लड की बात की जाए, एक्स यहां पे एक्सटी की तरफ से ऑर्कस पे एक नॉकआउट देखने को मिला। बिल्कुल लाइकन को यहां पे कार्ड ब्लास्ट के साथ डाउन जरूर किया जाएगा, ऑर्कस भी यहां पे डाउन पड़े हुए। LMG गॉड की बात की जाए, नेक्सस के वाइपर पे एक नॉकआउट यहां पे जरूर देखने को मिलता हुआ। सामने डार्क की बात करते हैं बिल्कुल एक्सटी की टीम यहां पे इनके सामने एक नॉकआउट यहां पे जरूर निकाला गया। यहां पे एक्सटी की अगर बात करते चले बिल्कुल दिक्कतें 70s की बढ़ चुकी हैं। यहां पे साकिब को जरूर डाउन किया जाएगा, एक्सटर्मिनेटर यहां पे बिल्कुल सामने की तरफ जरूर रहेंगे। स्टॉक की बात की जाए, स्टॉक की तरफ से बिल्कुल यहां पे स्टॉक जो लास्ट एचपी पे पहुंच चुके हैं, स्टॉक यहां पे बिल्कुल पिक किए जा सकते हैं लेकिन नहीं। यहां पे स्टॉक जो बिल्कुल डॉट एचपी पे यहां पे रहने वाले थे, एक और नॉकआउट यहां पे। वहीं डार्की की बात की जाए, डार्की की तरफ से भी बिल्कुल एक नॉकआउट देखने को मिला लेकिन यहां पे 1v1 की फाइनल फाइट। स्टॉक को पहले यहां पे बूस्ट अप करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा स्टॉक के सामने ब्लड एक्स रहने वाले, हेल्थ यहां पे ब्लड की इनसे ज्यादा रहेगी लेकिन जी हाँ बिल्कुल जिस बात का डर था वैसा ही सीन हुआ। यहां पे स्टॉक को पूरा कंफर्म किया, यहां पे जल्दी बिल्कुल रिवाइवल के लिए जाना पड़ेगा लेकिन ये वो की टीम यहां पे इसी स्पॉट की तरफ क्लोज इन कर चुकी है। दो प्लेयर यहां पे XT के डाउन, XT यहां पे बिल्कुल फिनिश होती हुई हमें नजर आ रही। जी हाँ बिल्कुल, यहां पे XT के ब्लड एक्स को भी डाउन किया। टॉक्सिक जो बिल्कुल डॉट HP पे यहां पे रहने वाले, टॉक्सिक का देखना पड़ेगा क्या यहां पे टॉक्सिक को भी बिल्कुल फिनिश कर दिया जाएगा। पूरी टीम यहां पे फिनिश होके जाती हुई। प्रोफेसर FTW तो टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है ब्रो, अब रजिस्टर आप नहीं कर सकते हो। तो बिल्कुल इवो की बात करते चलें तो इवो यहां से 3 फिनिश पॉइंट जरूर लेके चले, पूरे इवो के यहां पे 6 फिनिश पॉइंट हो चुके हैं। टीएस की टीम बिल्कुल डाउन द रेंज यहां पे जरूर रहने वाली 3 फिनिश पॉइंट के साथ। नेक्सस की बात करते चलें, थोड़ी सी हल्की सी फाइट उनकी भी हमें देखने को मिली थी लेकिन नेक्सस हमें यहां पे देखने को नहीं मिल रही। आई गेस यहां पे नेक्सस की टीम कंफर्म हो चुकी है। जी हां बिल्कुल, नेक्सस यहां पे इस फाइट के दौरान दूसरी एक फाइट भी जरूर हमें देखने को मिली जिसमें नेक्सस की पूरी टीम कंफर्म हो चुकी है। LMG गॉड यहां पे एक नॉकआउट जरूर निकालते हुए नजर आएंगे, LMG गॉड की तरफ चलेंगे। 6th फिनिश पॉइंट यहां पे LM लाइकन को यहां पे फिनिश किया। सामने अगर बात करते चले टीम अलून यहां पे LM जरूर रहने वाले। सामने की अगर बात की जाए बिल्कुल यहां पे अलून को पिक किया, शॉट्स यहां पे दिए जाएंगे। स्पाई राइजन की बात करते चले अलून पे यहां पे बिल्कुल शॉट्स इनकी तरफ से जरूर पड़ते हुए। बिल्कुल अगर बात करते चलें 2v2 का ये सिनेरियो, फ्रॉस्ट की बात की जाए बिल्कुल टाइमली रिवाइवल के लिए यहां पे जरूर जाते हुए। कारमारो हमारे साथ जुड़े हुए, टीम 18 फाइटर, तो टीम 18 फाइटर की तरफ एक बार हम जरूर जाना चाहेंगे। 15, 16, 18, जी हाँ बिल्कुल फाइटर की हम बात कर रहे हैं। फाइटर के 3 प्लेयर यहां पे फिनिश हो चुके हैं, अकेले DS मोहसिन यहां पे देखने को मिलते। ब्लू जोन के बाहर यहां पे निकल के जाना पड़ेगा, प्ले जोन के अंदर। वहीं LMG गॉड की बात की जाए, ये लोग अभी भी इस फाइट में एंगेज, बगी यहां पे निकाल लेगी, यहां से निकल के जाना पड़ेगा प्ले जोन के अंदर। तीसरा सर्कल हमारा कट चुका है, सर्कल के
अगर बात की जाए बिल्कुल सारी टीम्स यहाँ पे प्लेज उनकी एज की तरफ यहाँ पे पहुंच चुकी है, चौथा सर्कल भी कट चुका है, टीम्स को यहाँ पे निकल के जाना पड़ेगा। डाउन द रेंज अगर बात की जाए बिल्कुल 4F यहाँ पे गेट कीप करते हुए नजर आ रही, एक नॉकआउट यहाँ पे निकाला। यहाँ पे स्काई की बात करते चले एलम के एक प्लेयर को यहाँ पे जरूर डाउन किया जाएगा, फ्रॉस्ट यहाँ पे डाउन, लेकिन अलून यहाँ पे इनके साथ रहेंगे, रिवाइवल यहाँ पे इन पे टाइमली मिलता हुआ। हाँ जी बिल्कुल रिवाइवल यहां से मिल चुका है, जल्दी यहां पे बूस्ट अप होना पड़ेगा क्योंकि सामने 4A फुलमैन स्क्वाड के साथ इसी स्पॉट की तरफ हमें देखने को मिलते हैं। जी हाँ बिल्कुल स्काई यहां पे M24 विद 6X लगाए हुए, देखने की कोशिश जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हल्का सा और देखते उसी स्पॉट पे बिल्कुल पूरी टीम इन्हें देखने को मिल सकती थी। अच्छा बिल्कुल एक बार 5mm की बात करते चले, 5mm यहां से अब फाइट में एंगेज होती हुई नजर आ रही। एनएसजी स्नैक की बात की जाए, स्नैक यहां पे लिन पे एक नॉकआउट जरूर निकालेंगे, एनएसजी यहां पे बिल्कुल फाइट में एंगेज हो चुकी है, लिन यहां पे M24 के साथ एक नॉकआउट जरूर निकालते हुए, माफ कीजिएगा स्नैक यहां पे लिन पे एक नॉकआउट निकालेंगे, लेकिन लॉन्ग की ये फाइट देखने को मिलती हुई, रिवाइवल यहां पे मिल चुका है। यहां पे एलएमजी गॉड की बात की जाए तो एलएम फ्रॉस्ट पे एक नॉकआउट इनका देखने को मिलता हुआ, एलएमजी गॉड की तरफ से फ्रॉस्ट को यहां पे पूरा कंफर्म कर दिया जाएगा, फ्रॉस्ट यहां पे कंफर्म होकर जाते हुए फाइनल। जी बिल्कुल स्नैक की तरफ से क्या बात यहां पे, एक और M24 का सीधा हेडशॉट यहां पे जाता हुआ डाउन किया जाएगा एक बार हुज़ैफ को। इस बार पिछली बार बिल्कुल यहां पे लिन पे एक नॉकआउट निकाला था, लेकिन इस बार यहां पे हुज़ैफ पे सीधा यहां पे AWM का शॉट जाता, लेकिन नॉकआउट निकालने का कोई फायदा नहीं क्योंकि बिल्कुल हुज़ैफ पे विद इन 9 सेकंड से रिवाइवल यहां पे मिल चुका है। जी हाँ बिल्कुल 11 टीम से 32 प्लेयर्स, इसके बाद एक मैच हमारा और खेला जाएगा। 5mm की हम बात कर रहे थे, फुलमैन स्क्वाड के साथ ये टीम यहाँ पर रहने वाली, प्लेयर्स उनके बिल्कुल एज की तरफ यहाँ से ये लोग अभी के लिए आ पहुंचे। 4 Fools की वहीं बात की जाए, एक नॉकआउट हंटर ने जरूर निकाला था, लेकिन उसके बाद फिनिश यहाँ पे नहीं ले पाए। एसजी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल एसजी की टीम यहाँ से सामने की तरफ 5mm की टीम निकल के जाती हुई, शॉट्स यहाँ पे जरूर दिए जाएंगे, 5 फिनिश पॉइंट यहाँ पे एसजी के पास रहेंगे। बिल्कुल गाड़ी में यहाँ से साल्टर निकल के जाते हुए, साल्टर जो बिल्कुल भाई यहाँ पे .HP पे बचे, शॉट्स देने चाहिए भैया, शॉट दो जी। अब बिल्कुल यहां पे 20 टॉपी एक नॉकआउट निकालेंगे। फैजान जॉट की बात करते चलें, 4F स्काई को अभी के लिए यहां पे डाउन किया जाएगा। बिल्कुल ओपन एरियाज में हमारा जोन अभी के लिए बन चुका है, तो टीम्स मैक्सिमम जो यहां पे गाड़ियां लेके कवर के लिए जाती हैं तो वहां पे टीम्स ऑलरेडी मौजूद, तो टीम्स के यहां पे हल्के हल्के कवर जरूर ढूंढने पड़ेंगे। यहां पे हंटर की तरफ से माफ कीजिएगा स्काई को यहां पे पूरा कंफर्म किया जाएगा। 5mm साल्टर पे यहां पे LMG गॉड की तरफ से जरूर डाउन की, मुफ्ती विस की बिल्कुल M4 के शॉट्स डाउन द रेंज जरूर 5mm पे दिए जा रहे हैं। बिल्कुल 5mm के असॉल्टर यहाँ पे पूरा कंफर्म, उसके ट्रेड में यहाँ पे हंटर को भी यहाँ पे डैडी ओपी की तरफ से, माफ कीजिएगा बॉम्बर की तरफ से यहाँ पे डाउन किया जाएगा। आप बॉम्बर को यहाँ पे बिल्कुल एक नॉकआउट जरूर मिलता हुआ, निंजा यहाँ पे बिल्कुल डैमेज इन पे पड़ता हुआ, तो बूस्ट अप जल्दी करना पड़े। हंटर यहाँ पे डाउन रिवाइवल के लिए जाना पड़ेगा। एनएसजी की बात की जाए, एनएसजी यहाँ पे बिल्कुल प्लेज उनके बाहर है। नोवा की बात की जाए, फार के इटाची को यहाँ पे डाउन किया, इमोर्टल की तरफ से फार बीस्ट यहाँ पे डाउन, इवल जी मैड मैक्स यहाँ पे अभी के लिए डाउन पड़े हुए नजर आ रहे, फैजान जॉर्ड सलमान जॉर्ड यहाँ पे इनके साथ प्लेज उनके साथ, 7S वाजिद यहाँ पे ये भी डाउन, 7 फिनिश पॉइंट अभी तक इवो निकाल चुकी है। HMU की बात करते हैं, 147 नोवा यहां पे, अब बॉम्बर यहां पे, अब एक और नॉकआउट निकालेंगे, डाउन करेंगे एसजी के एक प्लेयर को। एसजी की बात करते हैं, बिल्कुल 3-man स्क्वाड के साथ यहां पे एडीओपी बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं, और डीएस मोहसिन की बात करते हैं, मोहसिन यहां पे नॉकआउट निकालते हुए जरूर नजर आएंगे। तो बिल्कुल LM स्पाई राइजन की बात कीजिए, LM जी गॉड यहाँ पे स्पाई राइजन के साथ रहेंगे, बूस्ट अप होने की पूरी को। सलमान की बात करते हैं, सलमान यहाँ पे डिफ्यूज पे एक नॉकआउट, डिफ्यूज को यहाँ पे सलमान की तरफ से पूरा कंफर्म कर दिया जाएगा। सामने अगर बात करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे बॉम्बर को पिक किया जाएगा, बिलीवर यहाँ पे डाउन करेंगे, WRT शेरी को यहाँ पे बिल्कुल सलमान की तरफ से डाउन किया गया। यहाँ पे NSG की दिक्कतें बढ़ती हुई, अब यहाँ पे 2-man स्क्वाड के साथ NSG हमें देखने को मिलती हुई, राइजन यहाँ पे इनके साथ, स्नेज यहाँ पे इनके साथ जो बिल्कुल डाउन पड़े, रिवाइवल देना काफी मुश्किल, बीट आउट होते हुए जी बिल्कुल यहाँ पे स्नेल्स अभी के लिए ब्लीड आउट हो जाएंगे। ब्लू जोन के अंदर यहाँ पे निकल के जाना पड़ेगा, यहाँ पे मैड मैक्स अभी के लिए डाउन किए जाएंगे हुज़ैफ WNL की तरफ से। फाइनल 9 टीम्स हमारी इस मैच में, 5 सर्कल हमारे कट चुके हैं। टीम्स की बात करते चलें तो बिल्कुल 9 टीम्स से 21 प्लेयर अभी भी यहाँ पे ला। 4 Fools यहाँ पे बिल्कुल सामने की तरफ से निकल के जाते हुए, ओपन एरिया से ये लोग निकल के जाते हुए, मुफ्ती इसकी सिनारियो यहाँ पे इनके साथ रहेंगे। NSG की बात की जाए, NSG राइजन यहाँ पे बिलीवर यहाँ पे इनके साथ हमें जरूर देखने को मिलते हुए।
माफ कीजिएगा, ब्लेवर जो अकेले अपनी टीम के यहाँ पे सोलो सर्वाइवर देखने को मिलते हैं। तीन पर यहाँ पे इनके कंफर्म हो चुके हैं, चार फिनिश पॉइंट यहाँ पे पूरी टीम के रहने वाले। फाइव एम की बात की जाए टू मैन स्क्वाड के साथ, बिल्कुल मनोभी को यहाँ से पिक करेंगे, शॉट्स यहाँ पे हल्के से दिए जाएंगे, निकल के यहाँ पे जाना पड़ेगा प्लेज उनके अंदर, 197 मीटर टीम को जाना है। फोर फुल्स की बात करते चले, थ्री मैन स्क्वाड के साथ फोर फुल्स यहाँ पे, एनएसजी के राइजन यहाँ पे अकेले बचे हुए, सेवन एस के बिलीवर यहाँ पे अकेले, इवो की बात करते चले, इवो यहाँ पे थ्री मैन स्क्वाड के साथ, बिल्कुल एसजी बीस की बात की जाए, बीस यहाँ पे एलएम पे के नॉकआउट जरूर निकालते हुए नजर आएंगे। बीस की तरफ अगर हम चलते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे इनके सामने टीम एलएम जी गॉड यहाँ पे, जी जॉड यहाँ पे, स्प्राई राइजन यहाँ पे डाउन पड़े, एसपी राइजन यहाँ पे डाउन, रिवाइवल देना काफी मुश्किल क्योंकि ब्लू जोन यहाँ पे बिल्कुल श्रिंकिंग होना शुरू हो चुका है, तो इन्हें यहाँ पे सामने की तरफ जरूर निकल के जाना पड़ेगा। लेकिन सामने की तरफ अगर बात करते चले यहाँ पे जॉड की तरफ से, फैजान की तरफ से नेपे किया जाएगा यहाँ पे कंफर्म किया जाएगा। फाइव एम की एक नाकआउट यहां पे जरूर निकाला, ब्लू जोन यहां पे श्रिंक होना शुरू, निंजा की तरफ से 4F से नारियो को डाउन, मुफ्ती विस्की यहां पे 5M मेडी को डाउन, मुफ्ती विस्की की तरफ से बिल्कुल यहां पे एक और फिनिश पॉइंट लिया जाएगा, दूसरा फिनिश पॉइंट हल्का सा बिल्कुल ब्लू जोन के बाहर निकलना है। सिनारियो अभी के लिए डाउन, सिनारियो का देखते चले बिल्कुल यहां पे कंफर्म होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ब्लू जोन के बाहर यहां पे डाउन, एसजी बीस भी यहां पे प्लेज उनके साथ हमें कंफर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, 4F सिनारियो यहाँ पे प्लेज उनके साथ कंफर्म होते हुए, फाइनल छह टीम से 13 प्लेयर अभी भी इस मैच में हमारे अलाइव रहने वाले। टीम्स की बात करते हैं, फोर फुल्स से टू मैन स्क्वाड के साथ एनएसजी अकेले यहाँ पे, राइजन सेवन शॉट, एसिड बर्न यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी के अकेले रहने वाले। टीएस की बात की जाए फुल मैन स्क्वाड के साथ टीएस की टीम यहाँ पे देखने को मिलती हुई, इवो की बात की जाए थ्री मैन स्क्वाड के साथ इवो सलमान जाट, पूरी टीम 11 फिनिश पॉइंट निकाल चुकी है। लिन को यहाँ पे पिक किया, रोलेक्स को यहाँ पे नोवो की तरफ से डाउन किया जाएगा, लिन जो बिल्कुल हेल्थ इनकी काफी डाउन रहने वाले, अगर यहाँ पे हल्के से शॉट इन पे और पड़ते हैं बिल्कुल यहाँ पे जॉर्ड की तरफ से सलमान जॉर्ड यहां पे लेन पे एक नॉकआउट निकालेंगे। टीएस की बाकी अगर प्लेयर्स की बात की जाए तो बिल्कुल दो प्लेयर यहां पे टीएस के डाउन पड़े, जी हां बिल्कुल रोलेक्स को यहां पे कंफर्म कर दिया जाएगा, नोवो की तरफ से यहां पे लिन भी डाउन पड़े। डब्ल्यूएनएल की बात करते चलें, ये राइट की तरफ से रोटेट करके जरूर सामने की तरफ निकल के जाने की कोशिश करेंगे। छह टीम से एचएमयू की बात करते हैं, नोवा यहाँ पे टू मैन स्क्वाड के साथ ये टीम यहाँ पे देखने को मिलती हुई बिल्कुल कवर बनाने की पूरी कोशिश की, प्लेज उनके बिल्कुल ये बाहर रहने वाले, हल्का सा निकल के जाना पड़ेगा प्लेज उनके अंदर, लेकिन उससे पहले बूस्ट अप जरूर होना पड़ेगा फोर फुल्स टू मैन स्क्वाड के साथ इस स्पॉट पे अभी के लिए। जी बिल्कुल, हुजैफ की बात करते चले, एक नेड जाता हुआ, नेड के साथ बिल्कुल डब्ल्यूएनएल यहां पे कंफर्म करेंगे एचएमयू अमान को, यहां पे अमान कंफर्म होके जाते हुए और नोवा यहां पे कंफर्म होके जाते हुए। हुजैफ की बात की जाए दो फिनिश पॉइंट यहां पे इस फाइट से ये लेके जाएंगे, टीएसए मॉडल टू मैन स्क्वाड के साथ यहां पे ये टीम रहने वाली। सामने रिच टॉप की अगर बात करते चले, इवो यहां पे बिल्कुल टॉप का एरिया होल्ड करते हुए, फैजान जॉर्ड यहां पे M4 साथ में बिल्कुल मिनी रहने वाली। डब्ल्यूएनएल की बात की जाए फोर फुल्स के हंटर पे एक नॉकआउट यहां पे निकाला जाएगा, मैडमैक्स की तरफ से एनएसजी राइजन को भी यहां पे पिक किया जाएगा, कंफर्म किया जाएगा, हंटर भी यहां से कंफर्म होके जाते हुए। फाइनल चार टीम्स, सात प्लेयर अभी भी, सेवन शॉट, एसिड बर्न यहां पे अकेले यहां पे बिल्कुल निकल के जाते हैं, लेकिन विस्की यहां पे इनका वेट किए जा रहे, विस्की यहां पे बिल्कुल ने कंफर्म करेंगे, लेकिन अब यहां पे विस्की को भी निकल के जाना पड़ेगा सामने ब्लू जोन के बाहर क्योंकि प्ले जोन की अगर बात करते हैं बिल्कुल अभी के लिए विस्की को यहां पे इन पे भी शॉट सामने की तरफ से टीएस की तरफ से दिए जा रहे। जी बिल्कुल, विस्की पे यहां पे डैमेज पड़ता हुआ, टीएसए मॉडल की बात करते हैं बिल्कुल डब्ल्यूएनएल यहां पे बिल्कुल मुफ्ती विस्की की तरफ से एक नॉकआउट यहां पे देखने को मिलता है, 1v1 का सिनेरियो यहां पे, टीएसए मॉडल यहां पे इनके सामने। मॉडल की बात की जाए, मॉडल यहां पे बिल्कुल हल्का सा फॉल बैक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पे मॉडल की तरफ से मुफ्ती विस्की को पूरा कंफर्म कर दिया जाएगा कि नेड यहां पे टॉप की तरफ से आता हुआ, इवो यहां पे जान चुकी है कि यहां पे सामने टीएस के एक प्लेयर, जी हां बिल्कुल, एक नेड के साथ हुजैफ को कंफर्म किया यहां पे मॉडल जो अकेले अपनी टीम के बचे हुए थे, मॉडल को यहां पे पिक किया, इमोर्टल को यहां पे पूरा कंफर्म किया जाएगा। यहां पे इवेल इवो यहां पे चिकन डिनर जरूर लेके जाती हूं, 8 फिनिश पॉइंट यहां पे फैजान जॉर्ड के रहने वाले, 3 फिनिश पॉइंट मैडमैक्स जॉर्ड के, 4 फिनिश पॉइंट यहां पे सलमान जॉर्ड के रहेंगे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग PB65 लकी राजपूत 4422। तो बिल्कुल यहां पे सेकंड स्पॉट की बात की जाए, टीएस सेकंड स्पॉट पे, थर्ड स्पॉट पे फोर फूल्स, फोर्थ स्पॉट एसजी के पास रहने वाला, फिफ्थ पे एनएसजी की टीम, सिक्स पे एचएमयू, सेवंथ पे हमारी यूर साहिल 7S की टीम, एट स्पॉट हमारी 5M के पास, नाइन्थ पे टीम एलएम, टेंथ लेजर के पास रहेगी, एलएन पे फार की टीम, 12 पे हमारी टीम एलएम ऑफिशियल्स, 13 पे एक्सटी की टीम, 14 7DS, 15 नेक्सस के पास, 16 गॉड, 17 वार्स, 19 18 PBS और फाइनल स्पॉट इस मैच में आईटी अजान के पास रहने वाली आईटी टीम। तो सीधा स्टार ऑफ द मैच की तरफ चलते हैं, तो ईवो फैजान जॉर्ड यहां पे गोइंग ऑल आउट, 8 फिनिश के साथ
बेस्ट कैंपेनियन की बात की जाए, टीम एलएम स्पाइर एसपी राइजन यहाँ पे 3 रिवाइवल और फिनिशर का पॉइंट इवो फैजान जॉर्ड लेके जाते हुए अपनी टीम के लिए। तो दूसरा मैच हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ। स्ट्रीम पे अभी के लिए जितने भी लोग जुड़े हुए, जिन लोगों ने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया स्ट्रीम को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो विद इन 5 मिनट्स और आज के जो आखिरी मैच हमारा खेला जाएगा उसमें हम आप लोगों के साथ जुड़ते हैं।
तो गाइस वेलकम बैक अगेन। तो आज का फाइनल मैच खेला जा रहा है, तीसरा मैच वीकेंड का ये मैच रहने वाला। तो अभी के लिए कमेंट सेक्शन में हमारे साथ माजन आसिफ भाई जुड़े, तो माशाल्लाह सनी कुमार भाई, फैसल भाई, क्या ही बात। तो यार सनी भाई भी हमारे साथ डेरा बसी से जुड़े हुए, तो वेलकम जी आपका, वेलकम टू द स्ट्रीम। बात करते चलें, बिल्कुल 19 टीम्स इस मैच में भी हमारे साथ रहने वाली। तो 8 सेकंड के बाद हमारा मैच यहाँ पे शुरू होने जा रहा है, वीकेंडी का ये मैप रहने वाला। तो कल आखिरी डे हमारा होगा क्वालिफायर्स का, उसके बाद सेमीफाइनल्स का राउंड शुरू हो जाएगा। अब देखना पड़ेगा कौन सी टॉप टीम्स यहाँ से क्वालिफाई करके सेमीफाइनल्स की तरफ जाती हैं। प्लेन पाथ की तरफ हम सीधा एक बार चलेंगे, तो डीनो पार्क की तरफ से हमारा प्लेन जाता हुआ, तोवार, अबे, मिलनार, विनेरी, वोल्नोवा, कासल, सीमेंट फैक्ट्री, हॉट स्प्रिंग, तो बिल्कुल ये एरियाज प्लेन पाथ के बिल्कुल साथ जुड़े। लेकिन टीम्स विहार, मोवाट्रा, विला, गरोका, तो बिल्कुल बाकी जितने भी एरिया हैं, तो सारे एरियाज की तरफ टीम्स जरूर जाती हुई हमें नजर आएंगी। पिछले मैच की अगर बात करें तो बिल्कुल ईवो ने एक चिकन जरूर निकाला था विथ मोर देन 10 फिनिश पॉइंट्स के साथ। तो इस मैच में भी वैसे ही हम उनकी गेम प्ले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 70s की बात करते हैं, इसलिए 70s यहां से अपनी ड्रॉप लोकेशन की तरफ बढ़ चुकी है। फोर फुल्स की बात की जाए, बिल्कुल ये लोग भी निकल चुके हैं अपनी ड्रॉप लोकेशन की तरफ। 40 सेकंड के बाद बिल्कुल हमारा पहला सर्कल यहां पे बन जाएगा। देखना पड़ेगा सर्कल हमारा किस साइड बनता है, कौन कौन सी टीम प्ले जोन के अंदर रहती हैं, किन किन टीम्स को यहां से निकल के प्ले जोन के अंदर जाना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अगर फोर फुल्स की बात की जाए, इनके स्पॉट पे अभी के लिए कोई भी टीम हमें देखने को नहीं मिल रही। बाकी अगर एरियाज की बात करते चले, बिल्कुल तीन चार एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे टीम साथ साथ जाती हुई नजर आ रही। सीधा इवो की तरफ चलेंगे तो इनके सामने, इनके साथ ग्राउंड में हमें 5mm की टीम भी देखने को मिलती हुई, साथ में फार टू सून इनकी टीम भी यहाँ पे रहने वाली। टीएस की बात करते चले, बिल्कुल टीएस की टीम भी इसी स्पॉट की तरफ अभी के लिए निकल के जाती हुई। इवो का आप देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे इनिशियल में फाइट के लिए ये लोग जाएंगे। आई गेस यहाँ पे हल्का सा ग्लाइड करके सामने की तरफ जरूर जाना चाहते हुए। टीएस की वहीं बात की जाए, बिल्कुल ये लोग भी इसी स्पॉट पे क्लोज इन करते हुए नजर आएंगे। अब देखना पड़ेगा क्या यहां पे इनिशियल में दो में से कोई टीम फिनिश होके जाती है, यानी सलमान की बात की जाए, सलमान यहां पे लैंडिंग में हल्का सा आगे रहने वाले, साथ में फैजान जाट। अगर यहां पे जल्दी से इनको गन्स मिल जाती है तो टीएस की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। टीएस अब यहां पे थोड़ा सा ग्लाइड करके सामने की तरफ जरूर निकल के जाएगी। सलमान की बात की जाए, बिल्कुल अभी के लिए यहां पे फैजान यहां पे गन जरूर उठा चुके हैं, फैजान को जल्दी बाहर की तरफ निकलना पड़ेगा। टीएस का देखते चले, बिल्कुल ओपन एरिया में यहां पे इमोर्टल निकल के जाते हुए। रोलेक्स की वहीं बात की जाए, अभी के लिए इनके पास कोई वेपन नहीं रहने वाला। सलमान की वहीं खलीफा की बात की जाए, पहला नॉकआउट यहां पे बीएन स्काई पे निकालते हुए, यहां पे वॉरियर्स, माफ कीजिएगा, फाइटर्स की टीम पे एक नॉकआउट जरूर देखने को मिलता हुआ। फाइटर्स की तरफ एक बार चलते हैं, तो यहां पे स्काई को पूरा कंफर्म कर दिया जा चुका है। इस मौसम की अगर बात करते हैं, बिल्कुल 5mm पे एक नॉकआउट यहाँ पे देखने को मिलता हुआ, 5mm के मैडी को यहाँ पे पूरा कंफर्म कर दिया जाएगा। मैडी यहाँ पे कंफर्म, खलीफा की बात की जाए, लेजर पे यहाँ पे रूमी, यहाँ पे डेन हसीब, ओपी को जरूर डाउन करते हुए नजर आएंगे। 5mm साल्टर की बात की जाए, साल्टर के हेल्थ यहाँ पे डाउन, बॉम्बर यहाँ पे डीबीएस से यहाँ पे दो नॉकआउट आई गेस जरूर निकालते हुए नजर आएंगे। फार टू सून की बात करते चले, बिल्कुल यहाँ पे फार ओए जो बिल्कुल पूरा कंफर्म कर दिया जा चुके हैं। नेक्सस मैडी यहाँ पे आईटी वेनम पे एक नॉकआउट, तो इनिशियल में बिल्कुल हर साइड से फाइट हमें देखने को मिल रही है। टीम फार बीस्ट ओपी एक फिनिश पॉइंट यहां पे इन पे रहने वाला। बॉम्बर की बात करते चले, बिल्कुल डीबीएस से फुल तबाही यहां पे इनकी देखने को मिलती हुई। असॉल्टर यहां पे नीजा के साथ बिल्कुल ढूंढने की भरपूर कोशिश, लेकिन अभी के लिए यहां पे फार बीस्ट जो बिल्कुल टॉप पे पीक यहां पे किए हुए बैठे। अब देखना पड़ेगा, बॉम्बर यहां पे क्लोजिंग करेंगे, यहां पे ड्रॉप शॉट देने की कोशिश, लेकिन कवर में ड्रॉप शॉट, लेकिन यहां पे क्या ही बात, पिक किया, कंफर्म किया, यहां पे डाउन किया, माफ कीजिएगा, फाटूस उनको जल्दी यहां पे क्लोजिंग करना पड़ेगा। वहीं मुफैसिल की बात करते चले, दूसरे साइड भाई फुल तबाही मच चुकी है, हर साइड से फाइट्स हमें देखने को मिल रही। अब देखना पड़ेगा हम किस साइड जाएं। डार्की की बात करते चलें, बॉम्बर की तरफ हम चलेंगे सीधा अभी के लिए। इनके सामने बिल्कुल दो टीम्स रहने वाली, आईटी रूमी यहां पे नेक्सस के वाइपर पे एक नॉकआउट जरूर निकालेंगे। नेक्सस की तरफ बात करते हैं तो सीधा यहां पे बिल्कुल यहां बिल्कुल एक और नॉकआउट देखने को मिला। फाटोस उन्हें यहां पे एक नॉकआउट जरूर निकालेंगे, सामने बॉम्बर रहने वाले, मैडी की तरफ से आईटी वेनम को वाइपर, यहां पे आईटी अजान को पूरा फिनिश करते हुए यहां बिल्कुल यहां पे फाटोस उन क्लोजिंग करेंगे। पूरी टीम को यहां पे कंफर्म किया, 5mm यहां पे अर्ली एग्जिट लेके आती हुई इस मैच से। जी हाँ बिल्कुल, बात करते चले यहां पे नेक्सस की तरफ चलते हैं, तो नेक्सस भी बिल्कुल इस फाइट को निकाल चुकी है। नेक्सस स्पाज ओपी, डेन हसीब ओपी, यहाँ पे नेक्सस स्पाज ओपी एक फिनिश पॉइंट के साथ, दो फिनिश यहाँ पे मैडी के पास, एक फिनिश यहाँ पे वाइपर ओपी के पास। डारुमेर टॉक्सिक वालों को पहले पता था वहां एक ही है, इनका कुछ लोचा है, तो टॉक्सिक आई गेस यहाँ पे इस
इस पूल में नहीं रहने वाली, तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कहीं गुजरे। क्या ही बात है, यहाँ पे शायराना मूड हमें कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है। अमान की बात करते चले, बिल्कुल अमान यहाँ पे फाइट में एंगेज होते, टॉक्सिक एक्सटी टॉक्सिक यहाँ पे बिल्कुल सामने की तरफ जरूर रहने वाले। यहाँ पे एनर्जी राइजन पे डैमेज यहाँ पे पड़ता हुआ, लेकिन एचएमयू अमान को यहाँ पे पिक किया जाएगा, लेकिन नोवा बिल्कुल अपनी टीम के साथ साथ एक और नॉकआउट यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे कन्फर्म के लिए जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे कन्फर्म किया, स्नैच यहाँ पे बिल्कुल फुल बूस्ट अप रहने वाले। अब देख सकते हैं कॉन्फिडेंस बंदे का बिल्कुल यहाँ पे 20% हेल्थ पे, फिर भी यहाँ पे स्लैमिन करने के लिए निकल के जाते हुए। लव यू टू, बात करते चले यहाँ पे विज, माफ कीजिए एनएसजी की डिफ्यूज यहाँ पे बिल्कुल एक नेड के साथ, तो नोवा को यहाँ पे डाउन किया जाएगा। अमान की बात कीजिए, अमान पे यहाँ पे रिवाइवल मिल चुका, देखना पड़ेगा नोवा यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी कर बैठे। हेल्थ इनकी काफी डाउन थी, फिर भी यहाँ पे स्लैमिन करने के लिए सामने ओपन एरिया में निकल चुके थे। डिफ्यूज यहाँ पे स्नेज पहला फिनिश पॉइंट इस मैच से लेके जाते हुए। विज की बात करते चले, विज यहाँ पे बिल्कुल एक फाइट इन लोगों ने भी निकाली, चार फिनिश पॉइंट यहाँ पे निकाल चुके हैं अभी के लिए। बिल्कुल एक्सटी की टीम यहाँ पे इनके सामने, एचएमयू अमान की बात करते चले, अमान यहाँ पे स्नैस को अभी के लिए पिक करेंगे। डिफ्यूज अकेले अपनी टीम के, लिन की बात की जाए बिल्कुल यहाँ पे बैक एंड बबलो की तरफ से इन्हें पिक किया जाएगा, कन्फर्म यहाँ पे किया जाएगा। टीएस के साथ अगर बात करते चले, इवो सलमान जॉर्ज जो यहाँ पे टू मैन स्क्वाड के साथ ये लोग थे, फिनिश किए जाएंगे सलमान लिन की तरफ से। यहाँ पे फैजान जॉर्ज अकेले अपनी टीम के अभी के लिए रहने वाले। तो जी हम बात करते चले, यहाँ पे फाइटर्स की टीम फिनिश होकर जा चुकी है, एनएसजी यहाँ पे फिनिश हो चुकी है, आईटी की टीम यहाँ पे, 5MM की टीम यहाँ पे फिनिश हो चुकी है, एचएमयू की बात करते चले, नोवा यहाँ पे इनके फिनिश हो चुके हैं। सीधा एक बार एक्सटी की तरफ हम चलते हैं, एक्सटी के सामने एक टीम जरूर यहाँ पे रहने वाली। जी हाँ बिल्कुल, एक नेड के साथ टॉक्सिक को भी वार खलीफा पे एक नॉकआउट जरूर निकालेंगे। और मुकासल की बात करते चले, और गॉडफादर यहाँ पे इनके साथ बिल्कुल हल्का सा टॉक्सिक पे यहाँ पे शॉट दिए जाएंगे, टॉक्सिक को यहाँ पे पिक किया जाएगा, टॉक्सिक को यहाँ पे डाउन किया जाएगा। इंसेन को जल्दी यहाँ पे बिल्कुल क्लोज इन करना पड़ेगा सामने की तरफ। जी हाँ बिल्कुल, बात करते चले इंसेन की तरफ से, एक्सटी साकिब को भी अभी के लिए डाउन किया, टॉक्सिक की दिक्कतें यहाँ पे, एक्सटी माफ कीजिएगा इनकी दिक्कतें बढ़ती हुई। ब्लड एक्स यहाँ पे टू मैन स्क्वाड के साथ एक नॉकआउट यहाँ पे निकाला, वार गॉड फादर पे एक नॉकआउट यहाँ पे जरूर देखने को मिलता हुआ। वार की बात की जाए, एक यहाँ पे खलीफा इनके कंफर्म हो चुके हैं, गॉडफादर अभी के लिए डाउन, इंसेन को जल्दी यहाँ पे निकलना पड़ेगा। रिवाइवल के लिए मुफैसिल यहाँ पे सामने की तरफ पहुंचे, वहीं एक्सटी की बात की जाए, दो प्लेयर यहाँ पे इनके डाउन थे, रिवाइवल यहाँ पे जरूर मिलता हुआ। साकिब पे रिवाइवल मिल चुका है, साकिब को जल्दी यहाँ पे बूस्ट अप करना पड़ेगा, लेकिन कवर में रह के अभी के लिए बिल्कुल निकल के जरूर जाते हैं। देखना पड़ेगा कहीं दूसरे साइड से इन्हें पिक ना किया जाए। बिल्कुल 70S स्टॉक की बात की जाए, बैक एंड यहाँ पे 70S की टीम भी इसी स्पॉट की तरफ निकल चुकी है। 70S की तरफ से एक यहाँ पे शॉट जरूर दिया जाएगा, एक नॉकआउट यहाँ पे जरूर निकाला जाएगा। एक्सटी टॉक्सिक ओपी आई गेस यहाँ पे रशर पे नॉकआउट, जी बिल्कुल रशर को यहाँ पे डाउन किया, स्मोक से यहाँ पे भरपूर किए जा रहे। एजरील की बात की जाए, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ ये लोग फाइट में एंगेज होते हुए नजर आ रहे। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर बात करते इसलिए बिल्कुल यहाँ पे 20 ओपी इनके डाउन पड़े, सामने एजरील जो अकेले अपनी टीम के बचे हुए। एजरील को बिल्कुल पिगी बैंक की तरफ उठा के यहाँ ऊपर लाके बिल्कुल फिनिश किया जाएगा। इजरायल यहां पे कंफर्म होके जाते हुए एक फिनिश पॉइंट, 7 शॉट एसिड बर्न इस फाइट से जरूर लेके जाएंगे। बिल्कुल सर्कल की बात करते चले, पहला सर्कल हमारा बन चुका है, पिशकोवा का एरिया, कॉस्मोड्रोम, ये दो तीन एरियाज जो बिल्कुल प्ले जोन के अंदर रहने वाले। तो टीम्स आई गेस अभी के लिए दो या तीन टीम्स प्ले जोन के अंदर रहने वाले। एक्सट्री टॉक्सिक की बात की जाए, वार पे एक और नॉकआउट हमें देखने को मिलता हुआ। वार की अगर बात करते चले बिल्कुल ट्रेड में मुफैसिल की तरफ से टॉक्सिक को भी डाउन किया जाएगा, टॉक्सिक यहाँ पे पिक हुए, डाउन किया यहाँ पे टॉक्सिक को। साकिब यहाँ पे बिल्कुल, साकिब यहाँ पे आई गेस रिलोड पे आ चुके थे, गन यहाँ पे चेंज कर रहे थे, लेकिन ओपन में यहाँ पे गन चेंज करना बिल्कुल इनके लिए दिक्कतें क्रिएट करता हुआ। यहां पे मुफैसिल की अगर बात करते चलें, पूरी टीम को इनकी तरफ से फिनिश किया जाएगा। ब्लड एक्स को यहां पे फिनिश किया। यहां पे अगर एक्सटी की हम बात करें, एक्सटी की पूरी टीम बिल्कुल फिनिश होके जाती हुई अभी भी बिल्कुल एक टीम यहां पे इसी स्पॉट के इनके सामने रहने वाली। 70S की टीम स्टार्क और कुछ यहां पे डार्की ओपी साथ में डार्क डब्ल्यूडी, 14 टीम्स, 46 टोटल प्लेयर अभी भी इस मैच में अलाइव रहने वाले। एचएमयू यहाँ पे तीन किल्स के साथ रहने वाली। पॉइंट ब्लैंक की तरफ एक बार हम जरूर जाना चाहेंगे। पीबीएस फ्रैगर यहाँ पे पॉइंट ब्लैंक गनर यहाँ पे एक्सिट पैरा, पीबीएस एक्जॉटिक यहाँ पे इनके साथ गाड़ियाँ बिल्कुल इनकी निकल चुकी हैं, तीन चार गाड़ियाँ, एक के पीछे एक, दूसरी के पीछे तीसरी, तीसरी के पीछे चौथी। तो इसी तरह से ये लोग गाड़ियाँ निकाल के यहाँ से प्लेस उनके अंदर जरूर जाते हुए। टीम नंबर 14 की बात की जाए, एलएम फियर यहाँ पे, एलएम एक्सो WNL, साथ में एलएम जी जॉड यहाँ पे, जी गॉड हम इनको बोलेंगे, तो एसपी राइजन भी बिल्कुल इनके सामने रहेंगे। ग्राउंड में बिल्कुल कोई भी टीम यहां पे इनके सामने नहीं रहेगी। एसजी बिल्कुल एक फिनिश पॉइंट अभी तक निकाल चुकी है इस फाइट से। पॉइंट ब्लैंक की बात करते चले, इनका कोई फिनिश पॉइंट नहीं। विज के 5 फिनिश, माफ कीजिएगा 7 फिनिश पॉइंट। टीम एलएम लेजर ऑफिशियल की बात करते चले, बिल्कुल यहां पे इन लोगों की भी अभी तक हमें फाइट देखने को नहीं मिली। मुर्तजा ऑफिशियल की अगर बात करते चले, इनका कहना है कि टीम 11, तो 11 की तरफ हम जरूर जाना चाहेंगे।
जी हाँ बिल्कुल, टीम 11 हमारी फोर फूल्स की टीम रहने वाली। जी हाँ बिल्कुल, सीधा फोर फूल्स पे हम गए। फोर फूल्स के स्काई ने एक नॉकआउट जरूर दिया अपनी टीम को। टीएसके इमॉर्टल को यहाँ पे पिक किया, इमॉर्टल को यहाँ पे इनकी तरफ से नॉक इन कंफर्म किया जाएगा। तो बिल्कुल हाँ, गॉडफादर की बात करते चलें, गॉडफादर यहाँ पे एक और नॉकआउट जरूर अपनी टीम को निकाल के देते हुए। गॉडफादर की अगर बात की जाए, मुफैसल यहाँ पे एक्सेट पैरा पे एक नॉकआउट जरूर निकालेंगे। एक्सेट पैरा यहाँ पे डाउन किए जाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल एक्सेट पैरा पीबीएस की दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही। दो प्लेयर यहाँ पे, माफ कीजिएगा, तीन प्लेयर यहाँ पे डाउन। एक प्लेयर को यहाँ पे कन्फर्म, एक्सॉटिक को यहाँ पे कन्फर्म किया, गनर को यहाँ पे कन्फर्म किया। पैरा पे यहाँ पे रिवाइवल के लिए जाना पड़ेगा। एचएमयू फ्रैगी की बात की जाए, यहाँ पे एचएमयू भी स्लैमिन कर चुकी है एक नॉकआउट। यहाँ पे वार पे जरूर मुफैसल आएगा, यहाँ पे इनकी से पूरा कंफर्म कर दिए जाएंगे। और गॉडफादर इनकी हेल्थ काफी डाउन रहने वाली, इंसेन को जल्दी यहां पे बूस्ट अप करना पड़ेगा। वहीं एक्साइट पैरा भी यहां पे फिनिश होके जाते हुए, पीबीएस फ्रैगर अब यहां पे अकेले अपनी टीम के स्पॉट से जरूर निकल के जाते हुए। वार की बात करते चलें, गॉडफादर यहां पे, वार इंसेन यहां पे इनके साथ रहेंगे। 14 टीम्स 41 टोटल प्लेयर सवारी अभी के लिए हमारे इस मैच में जुड़े हुए। डार्क की बात करते चलें, 70s स्टार्क यहाँ पे, 70s ऑर्कस डार्क WD डार्क की ओपी यहाँ पे। फोर एफ हंटर की बात की जाए, बिल्कुल दूसरा नॉकआउट यहाँ पे हंटर का। और फोर फूल्स बिल्कुल यहाँ पे फुल तबाही वाले मूड में हमें देखने को मिलते हुए। जाएंगे हम सीधा फोर फूल्स की तरफ। एक फिनिश पॉइंट स्काई यहाँ पे निकाल चुके। टीएस की बात की जाए, हुसैफ को भी अभी सिनारियो की तरफ से पिक किया जाएगा। अकेले यहाँ पे लिन वाइटी अपनी टीम के रहने वाले, लिन वाइटी यहाँ पे बिल्कुल पिक कर सकते हैं। विस्की को यहाँ पे पिक किया। 1v3 का सिनारियो, आई गेस यहाँ पे फोर फूल्स को जल्दी स्लैमिन कर देना चाहिए। सामने रोलेक्स जो डाउन पड़े हुए, रोलेक्स को यहाँ पे फिनिश करने के लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, रोलेक्स को यहाँ पे फिनिश किया जाएगा। लिन अकेले अपनी टीम के सामने। अगर मुफ्ती की बात करते, मुफ्ती अभी भी डाउन पड़े। यहाँ पे स्लाइडली क्लोजिंग किया जाए। डैन हसीब की बात की जाए, बिल्कुल एक नॉकआउट यहां पे देखने को मिलता हुआ। ऑर्कस को यहां पे कंफर्म किया। डार्क वो की बात करते चलें, बिल्कुल ये भी यहां पे डाउन पड़े हुए। सामने अगर बात करते चलें, बिल्कुल नेक्सस की टीम यहां पे स्लैमिन डाल चुकी है। स्पास ओपी यहां पे इनके साथ। डार्की की बात की जाए, बिल्कुल स्पास पे एक नॉकआउट यहां पे डार्की का देखने को मिलता हुआ। फ्रैगी यहां पे डार्की ओपी को बिल्कुल डाउन करेंगे। एचएमयू की टीम भी बिल्कुल इसी स्पॉट की तरफ आ चुकी है। दो प्लेयर यहां पे इनके डाउन पड़े, रिवाइवल के लिए यहां पे जरूर जाते। अब देखना पड़ेगा एचएमयू के सामने। बिल्कुल एलएम जी गॉड की बात करते चलें, बिल्कुल एक नॉकआउट यहां पे देखने को मिलता हुआ। एचएमयू के अमान यहां पे सामने थे, लेकिन तब तक बबलू का एक M24 का हेडशॉट सीधा इनकी तरफ आता हुआ डाउन किया जाएगा। लेकिन कवर इनके पास रहने वाला, रिवाइवल यहां पे जरूर मिलता हुआ। एचएमयू की बात की जाए, बिल्कुल गॉडफादर यहां पे टीम LMX अलून पे एक नॉकआउट जरूर निकालेंगे। जी गॉड यहां पे डाउन। फ्रॉस्ट की बात करते चलें, फ्रॉस्ट के सामने बिल्कुल वार की टीम अभी के लिए क्लोज इन करते हुए नजर आ रही। यहां पे बिल्कुल इनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इनके बैक एंड अगर पीछे की तरफ चलते हैं तो पीछे भी एक टीम यहां पे जरूर रहने वाली। तो एलएम के आगे से यहां पे अलून को पूरा कंफर्म कर दिया जा चुका। फ्रॉस्ट यहां पे बिल्कुल रिवाइवल के लिए जरूर जाना चाहिए। यहां पे इनकी तरफ से भरपूर स्मोक किए जा रहे, रिवाइवल यहां पे जरूर मिलता हुआ। 14 टीम से 37 प्लेयर अभी के लिए यहां पे इन पूरे यहां पे अलाइव रहने वाले। बिल्कुल डार्की वो की बात की जाए, डार्की WD यहाँ पे थ्री मैन स्क्वाड के साथ। ये टीम यहाँ पे पॉइंट ब्लैंक की बात करते हैं, पॉइंट ब्लैंक फ्रैगर यहाँ पे, वार गॉडफादर यहाँ पे टू मैन स्क्वाड के साथ। वार की टीम इंसेन यहाँ पे इनके साथ रहेंगे। एलम फ्रॉस्ट यहाँ पे बिल्कुल रेज गॉड रिवाइवल मिल चुका है। नेक्सस का पूरा स्क्वाड यहाँ पे, नेक्सस के सामने HMU बिल्कुल रहने वाली। डार्की ओपी की बात की जाए, बिल्कुल हसीब पे एक नॉकआउट। डार्की ओपी बैक टू बैक यहाँ पे नेक्सस मैडी को भी डाउन किया। यहाँ पे स्पार्क्स की भी हेल्थ यहाँ पे डाउन रहने वाली। बिल्कुल स्पार्क्स की तरफ यहाँ पे स्लैमिंग किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक और नॉकआउट निकाला, लेकिन ट्रेड में यहां पे डाउन जरूर किए जाएंगे। वो की बात कीजिए, वो को जल्दी यहां पे स्लैमिंग करना पड़ेगा। अकेले यहां पे एक प्लेयर जिनकी हेल्थ काफी डाउन रहने वाली। नेक्सस अगर बात करते चलें, बिल्कुल वाइपर ओपी यहां पे अकेले, लेकिन यहां पे एक सही स्पॉट पे रहने वाले। आई गेस यहां पे 70s बिल्कुल फाइट के लिए नहीं जाएगी, बिल्कुल रिवाइवल के लिए लोग जाना चाहेंगे। नेक्सस मैडी यहां पे डाउन, हसीब ओपी यहां पे डाउन, स्पाज ओपी यहां पे डाउन। वाइपर ओपी की बात करते चलें, वाइपर ओपी भी बिल्कुल यहां पे सामने की तरफ अभी के लिए निकल के जाएंगे, लेकिन पहले यहां पे बूस्ट अप करना पड़ेगा। 9 बैंडेज इनके पास अभी भी जरूर रहने वाले। 70s की हम बात कर रहे थे, बिल्कुल यहाँ पे एक प्लेयर पे रिवाइवल मिल चुका है। कवर यहाँ पे जरूर दिए जा रहे। डार्क WD एक अच्छी फाइट यहाँ पे निकाल सकते थे, लेकिन HMU अमान की बात की जाए, फ्रॉस्ट को यहाँ से इनकी तरफ से पिक किया। फ्रॉस्ट को यहाँ पे बिल्कुल डाउन जरूर किया जाएगा। नेक्सस की बात करते चलें, बिल्कुल यहाँ पे दो प्लेयर्स पे रिवाइवल मिल चुका है। अकेले अब हसीब ओपी रहने वाले। हसीब पे बिल्कुल यहाँ से इन पे भी रिवाइवल मिल चुका है अभी के लिए। ब्लीवर योर साहिल 7S वाजिद थ्री मैन स्क्वाड के साथ। आईम उस्मान यहाँ पे इनके कंफर्म हो चुके हैं। अकेले यहाँ पे एक प्लेयर इनके कंफर्म। गोस्ट ओपी की बात करते हैं, बिल्कुल गोस्ट ओपी की तरफ से एक नॉकआउट हमें देखने को मिलता है। आई गेस यहाँ पे फिनिश पॉइंट जरूर लेके जाएंगे, यहाँ पे फिनिश होके जाते हुए।
बिल्कुल डार्की की बात करते चलें, डार्की यहां पे बिल्कुल एक नॉकआउट जरूर निकालते हुए सामने। नेक्सस की अगर बात करते चलें, फिर से बबलू की तरफ से एक M24 का शॉट जाता हुआ, नेक्सस वाइपर ओपी को अभी के लिए बबलू यहां पे डाउन करेंगे। नेक्सस के दो पेयर यहां पे डाउन। हसीब की बात करते चलें, हसीब एक बार फिर से देखिए देंगे। स्पास की बात किया, स्पास एक नॉकआउट यहां पे निकालेंगे, दूसरा नॉकआउट यहां पे स्पास का बैक टू बैक। लेकिन यहां पे डार्क WD क्लोज इन करेंगे, स्लैमन यहां पे करेंगे, कंफर्म यहां पे किया जाएगा, पूरी टीम यहां पे फिनिश होके जाती हुई। यहां पे नेक्सस की अगर बात करते चले, एक दो बार आईएस यहां पे स्टार्ट में भी तीन नॉकआउट जरूर निकालते, लेकिन जो HMU अमान का वो M24 का शॉट था जिसकी वजह से एक प्लेयर डाउन हुआ, बिल्कुल एक ओपनिंग यहां पे क्रिएट होगी, उसकी वजह से 70S ने बिल्कुल फुल स्लैमिंग डाला यहां पे, इस फाइट को यहां पे निकाला, तीन फिनिश पॉइंट यहां पे 70S लेके जाती हुई। जी बिल्कुल, स्ट्रीम पे अभी के लिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया स्ट्रीम को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। 12 टीम्स 30 प्लेयर अभी के लिए हमारे इस मैच में अलाइव रहने वाले। गोस्ट ओपी यहां पे बिल्कुल थ्री मैन स्क्वाड के साथ इनकी टीम रहने वाली, गॉड यहां पे इनके साथ रहेंगे। वही वार की बात करते हैं, टू मैन स्क्वाड पॉइंट ब्लैंक यहां पे फ्रेगर अकेले अपनी टीम के। HMU बिल्कुल यहां पे आठ फिनिश पॉइंट अभी तक निकाल चुके। अमान तीन फिनिश पॉइंट के साथ रहेंगे, बबलू के तीन फिनिश पॉइंट, फ्रेगी एक फिनिश पॉइंट के साथ। डार्क WD की बात करते, 70S स्टार के यहाँ पे दो फिनिश पॉइंट के साथ, गोस्ट ओपी एक फिनिश पॉइंट के साथ जरूर यहाँ पे रहने वाले। 12 टीम्स प्ले जोन की बात की जाए, बिल्कुल दूसरा सर्कल हमारा कट चुका है अभी के लिए, ब्लू जोन यहाँ पे श्रृंखला होना शुरू हो चुका है। टीम्स की वही बात करते चले, बिल्कुल सारी टीम्स यहाँ पे प्ले जोन के अंदर आ पहुंची है, तो नेक्स्ट सर्कल हमारा कुछ ही मिनट्स में यहाँ पे बनने जा रहा है। 1:36 के बाद ये ब्लू जोन हमारा यहाँ पे श्रृंखला होना शुरू हो जाएगा। 15 मिनट हमारे मैच को भी हो चुके हैं, यहाँ पे कन्फर्म टीम की तरफ एक बार जरूर हम जाएंगे। कन्फर्म टीम की बात करते चले, बिल्कुल नेक्स्ट यहाँ पे कन्फर्म हो चुकी है, LM रेज गार्ड इनकी टीम, XT यहां पे कंफर्म, DS की टीम यहां पे कंफर्म हो चुकी है, फाइटर्स की टीम NSG यहां पे कंफर्म, IT यहां पे कंफर्म हो चुकी है, 5mm यहां पे कंफर्म, और 147 नोवो की बात की जाए तो बिल्कुल ये भी कंफर्म होके जा चुके हैं। बिल्कुल डार्क WD की बात करते चलें, दो प्लेयर यहाँ पे इनके भी कंफर्म हो चुके हैं। अब फोर फूल्स की बात की जाए, तीन फिनिश पॉइंट यहाँ पे इन लोगों ने जरूर निकाले थे। TS का एक बार देखते चलें, आई गेस यहाँ पे TS के लिन जो अकेले अभी भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं वाटर साइड से, ये निकल के जरूर जाते हुए। इवो के फैजान जॉर्ड ये भी अकेले यहाँ पे रहने वाले इस प्ले जोन के अंदर, बिल्कुल प्ले जोन के बाहर यहाँ पे ये रहेंगे, इनको प्ले जोन के अंदर 110 मीटर निकल के जाना पड़ेगा। ये फाटूसून की बात करते चले, HMU अमान पे एक नॉकआउट यहाँ पे देखने को मिलता हुआ। फाटूसून की अगर बात की जाए, बिल्कुल टू मैन स्क्वाड के साथ ये लोग यहां पे रहने वाले, साथ में इनके बिल्कुल फार इटाचे रहेंगे। गाड़ी यहां से निकाल ली गई है, निकल चुके हैं बिल्कुल सामने की तरफ स्लैमिंग करने के लिए। सामने बिल्कुल HMU पे एक नॉकआउट यहां पे इनका जरूर हमें देखने को मिला था। विंसून की बात की जाए, बिल्कुल यहां पे अभी के लिए बूस्ट अप जरूर होते हुए नजर आ रहे। SG फुल मैन स्क्वाड के साथ यहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी की टीम रहने वाली, पूरी टीम पे अभी के लिए एक फिनिश पॉइंट यहां पे देखने को मिलता हुआ। फाटूसून की वहीं बात की जाए, चार फिनिश पॉइंट के साथ ये लोग यहां पे जरूर रहेंगे। बिल्कुल बिलीवर की एक बार बात करते चलें, तो अभी तक इनकी कोई फाइट हमें देखने को नहीं मिली। सर्कल बिल्कुल हमारा यहां से कटने जा रहा है, ब्लू जोन बिल्कुल यहां पे श्रृंखला होना शुरू हो चुका है, तो नेक्स्ट सर्कल में बिल्कुल जब टीम्स क्लोज इन करेंगी तो बिल्कुल फाइट्स वहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए बिल्कुल हल्का सा कुछ 5 मिनट की अगर हम बात करते चलें, तो 5 मिनट से हमें फाइट्स बिल्कुल रुकी रुकी सी नजर आ रही। बिल्कुल बात कर रहे थे हम यहाँ पे यूर साहिल की, तो साथ में HMU की तरफ एक बार चलेंगे। फ्रेगी यहाँ पे अमान बबलू के साथ रहेंगे, इनके सामने बिल्कुल यहाँ पे 70S की टीम जरूर हमें देखने को मिलती हुई। 70S बिल्कुल इसी स्पॉट पे यहाँ पे जरूर रहने वाली। अब देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे HMU क्लोज इन के लिए जाना चाहेगी। बिल्कुल M24 विथ ATX लगाए हुए ये लोग यहाँ पे स्पॉट पे जरूर रहने वाले। M24 विथ ATX लगा जी, बिल्कुल फार की बात करते चले, फार यहाँ पे स्लाइडली डाउन की तरफ से यहाँ पे इसी स्पॉट की तरफ क्लोज इन करते हुए नजर आ रही है। अब देखना पड़ेगा फार यहाँ पे निकल के क्या सामने की तरफ वार की तरफ यहाँ पे जाना चाहेगी। वार की टीम भी बिल्कुल इसी स्पॉट पे रहने वाली, एक सेफ स्पॉट यहाँ पे बिल्कुल टीम को जरूर ढूंढनी पड़ेगी। डार्क WD भी बिल्कुल इसी स्पॉट पे, फाइट्स बिल्कुल पिछले 5 मिनट से हमें जरा भी देखने को नहीं मिली, रुक चुकी हैं फाइट्स। 12 टीम्स 30 प्लेयर स्ट्रीम पे अभी के लिए जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिन लोगों ने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया स्ट्रीम को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।
वार जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मुफा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका कहना है वार पे जाया जाए, तो सीधा हम वार पे एक बार जाते हैं। वार यहाँ पे टू मैन स्क्वाड के साथ 5 फिनिश पॉइंट है। मुफैसल ने जरूर निकाले थे लेकिन कंफर्म हो चुके हैं 2 फिनिश पॉइंट खलीफा के रहने वाले। इनसेन 1 फिनिश पॉइंट के साथ, 2 फिनिश पॉइंट गार्ड के, 2 मैन स्क्वाड के साथ ये टीम अभी के लिए इस स्पॉट को होल्ड किए हुए। सामने HMU रहने वाले। इनसेन बिल्कुल यहाँ पे बबलू को पिक कर सकते हैं, बिल्कुल बबलू को यहाँ पे शॉट दिए जाएंगे। बबलू को यहाँ पे डाउन किया लेकिन बबलू आई गेस यहाँ पे कवर में जरूर जा सकते हैं। क्या बिल्कुल बबलू निकल चुके हैं कवर की तरफ, इजीली यहां पे इन पे रिवाइवल मिल सकता है। एक नॉकआउट यहां पे जरूर इनसेन ने निकाला था लेकिन अभी के लिए रिवाइवल यहां पे मिल जाएगा। सर्कल हमारा बिल्कुल यहां पे चौथा बन चुका है। सर्कल की बात करते चलें, बिल्कुल यहां पे लगभग सारी टीम्स प्ले जोन के अंदर हमें देखने को मिलती हुई, बिल्कुल सारी टीम्स प्ले जोन के अंदर रहने वाली। एक टीम यहां पे टीम LM यहां पे आई गेस एक ही टीम प्ले जोन के बाहर रहने वाली। LM यहां पे बिल्कुल स्लैमिंग करने के लिए जाएगी सामने के 70s यहां पे, HMU यहां पे, वार भी यहां पे रहने वाले। तो बिल्कुल 4-5 टीम्स इस एरिया की तरफ यहां पे जरूर रहने वाली थी। अब देखना पड़ेगा यहां पे किस तरह से ये लोग फाइट को लेंगे। वार की अगर बात करते चले, टू मैन स्क्वाड 70s यहां पे टू मैन स्क्वाड के साथ, गोस्ट ओपी की बात की जाए 3 मैन स्क्वाड के साथ, पॉइंट ब्लैंक के फ्रैगर यहां पे अकेले बचे हुए, अकेले यहां पे स्पॉट की तरफ से निकल के जाते हुए। बिल्कुल वार को यहां से जरूर स्पॉट किया गया HMU फ्रैगी की तरफ से, G360 विथ 3X लगा के सामने की तरफ जरूर यहां पे स्पॉट करने की पूरी इनकी कोशिश रहने वाली। SG की वहीं बात की जाए, SG यहां पे बिल्कुल प्रोनिन, कोई भी यहां पे इनकी तरफ से जल्दबाजी हमें देखने को नहीं मिल रही। जानते हैं कि बिल्कुल एंड पे अगर ये जाते हैं फुल मैन स्क्वाड के साथ तो बिल्कुल इनका पलड़ा काफी भारी रह सकता है। वहीं LM की बात की जाए, LM का भी यहां पे पूरा स्क्वाड रहने वाला। अभी तक के LM की तरफ से भी कोई भी हमें फिनिश देखने को नहीं मिला। फियर यहां पे, एक्सो, WNL, इजी गॉड यहां पे इनके साथ साथ में SP राइजन भी जरूर रहने वाले। जी हाँ बिल्कुल, 11 टीम्स 29 प्लेयर अभी के लिए हमारे इस मैच में अलाइव रहने वाले। आई गेस यहाँ पे एक और टीम हमारी फिनिश होके जा चुकी है। अब देखना पड़ेगा कौन सी टीम यहाँ से फिनिश जाए। ये वो फैजान जाट आई गेस यहाँ पे जो अकेले अपनी टीम के बचे हुए थे वो यहाँ से फिनिश हो चुके हैं। डार्क WD 70 स्टार्क बिल्कुल होल्ड किए हुए, कोई भी यहाँ पे इनकी तरफ से मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही। गॉड की वहीं बात की जाए, कातिल के साथ यहाँ पे सामने बिल्कुल गॉडफादर, पॉइंट ब्लैंक के फ्रैगर की बात की जाए, फ्रैगर भी बिल्कुल यहाँ पे होल्ड किए। फ्रैगर को आई गेस यहाँ पे एक ही स्पॉट पे करना पड़ेगा लेकिन प्लीज उनके ये बाहर रहने वाले, निकल के जाना पड़ेगा लेकिन सूझबूझ के साथ क्योंकि सामने टीम यहां पे गॉड रहने वाली 3 मैन स्क्वाड के साथ, इजीली यहां पे फिनिश पॉइंट वो लोग ले सकते हैं। वहीं बिलीवर की बात करते चलें, बिलीवर यहां पे 3 मैन स्क्वाड के साथ, यूर साहिल, 7S, वाजिद भी बिल्कुल इसी स्पॉट की तरफ सामने की तरफ यहां पे गेट कीप करते हुए जरूर नजर आ रहे। HMU का 3 मैन स्क्वाड यहां पे जरूर देखने को मिलता हुआ। 5वां सर्कल हमारा बिल्कुल कट चुका है तो अब यहां पे टीम्स हल्की हल्की प्लीज उनके बाहर रहने वाली क्योंकि TSK, लिन, YT प्लीज उनके बाहर, इनके वार यहां पे प्लेज उनके बाहर, 70s प्लेज उनके बाहर, टीम LM यहां पे प्लेज उनके बाहर। तो बिल्कुल इन लोगों को निकलना पड़ेगा, प्लेज उनके अंदर जाना पड़ेगा। डाउन अगर हम यहां पे टीम नंबर 6 की तरफ चलते हैं, डार्क WD बिल्कुल इन लोगों को प्लेज उनके अंदर हल्का सा जाना पड़ेगा कि यहां पे बिल्कुल एज पे ये लोग दोनों टीम्स यहां पे एज पे रहने वाली। फार की टीम भी बिल्कुल एज पे यहां पे रहती हुई नजर आ रही। वार की वहीं बात की जाए, वार हल्का सा यहां पे प्लेज उनके बाहर रहेगी तो निकल के ये लोग भी जाना जरूर चाहेंगे। वहीं 70s की बात करते चलें, 7S की बात कीजिए, बिल्कुल 7S की टीम यहां पे प्लेज उनके सेंटर को होल्ड करते हुए नजर आ रही। SG की बात की जाए, SG भी बिल्कुल प्लेज उनके अंदर यहां पे देखने को मिलती हुई। HMU की अगर हम बात करते चले, HMU भी प्लेज उनके बिल्कुल अंदर यहां पे रहने वाली। जी बिल्कुल, सामने की तरफ से एक M24 का शॉट जरूर आता हुआ डैमेज लेकिन यहां पे नहीं पड़ता हुआ। 11 टीम्स 29 प्लेयर 10 फिनिश पॉइंट यहां पे वार अभी तक निकाल चुकी है। फार टू सून की अगर बात करते हैं चलें, 4 फिनिश पॉइंट यहां पे इन पे भी जरूर रहने वाले। टीम्स को अब यहां पे बिल्कुल सामने की तरफ जल्दी जल्दी निकल के जाना पड़ेगा। फाइट यहां पे बिल्कुल देखने को मिलेगी, बिल्कुल एक नॉकआउट यहां पे हमें देखने को मिलता हुआ। नॉकआउट की अगर बात करते चलें, अब देखना पड़ेगा किस पे यहां पे किसने नॉकआउट निकाला। गोस्ट ओपी यहाँ पे बिल्कुल इनकी टीम फुल सलामत यहाँ पे देखने को मिलती हुई। बिलीवर की अगर बात करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे इनकी भी टीम विथ नो कैजुअलिटीज अभी के लिए रहने वाली। राइजन पे यहाँ पे डैमेज पड़ता हुआ सामने आई गेस यहाँ पे SG पे एक नॉकआउट जरूर निकाला गया। SG जी हाँ बिल्कुल, मुनो ओपी जो बिल्कुल डाउन थे, रिवाइवल मिल चुका लेकिन ट्रेड में यहाँ पे फियर की तरफ एक नीड आता हुआ, नीड से यहाँ पे हल्का सा डैमेज इन पे जरूर पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, जी गॉड की बात की जाए, 7 शॉट एसिड बर्न को यहाँ पे एक नीड के साथ जरूर टेक डाउन किया जाएगा। ADOP की बात की जाए, LM फियर पे यहाँ पे पिक किया। वहीं अगर 20 की बात
परसेंट डाउन। अगर फिर यहाँ पे डाउन पड़े हैं एलएम में, डब्ल्यूएनएल जो बिल्कुल अभी के लिए कवर में पहुंच चुके, एडीओपी की बात की जाए बिल्कुल जी गॉड को भी यहाँ पे पिक किया, डाउन किया, दो प्लेयर यहाँ पे डाउन। राइजन बिल्कुल हल्का सा अलग अपनी टीम से रहने वाले, यहाँ पे दिक्कतें बढ़ सकती है। डार्क डब्ल्यू की बात की जाए बिल्कुल एडी की तरफ से बिल्कुल एम्फेयर को पूरा कंफर्म कर दिया जाएगा, डार्क डब्ल्यू डी भी यहाँ पे डाउन। स्टार के यहाँ पे अकेले अपनी टीम के फार टू सून, तो बिल्कुल इनकी टीम भी स्लाइटली स्लैमिन करने की पूरी कोशिश की जा रही, अब देखना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल फार यहाँ पे निकल चुके हैं, फार के सामने यहाँ पे 2v1 का सिनेरियो, क्या ही जंप, लेकिन क्या ही यहाँ पे शॉट, जबरदस्त यहाँ पे रिफ्लेक्सेस यहाँ पे शो किए गए थे, लेकिन टेक डाउन किया, कवर में यहाँ पे जरूर ट्रेड में यहाँ पे इन्हें भी कंफर्म किया जाएगा। इनकी टीम भी 70s भी कंफर्म होकर जाते हैं। एचएमयू की बात करें, एचएमयू बिल्कुल यहाँ पे इसी स्पॉट पे रहने वाली, कोर्स यहाँ पे स्लाइटली इसी स्पॉट पे क्लोजिंग किए जा रहे, लो टू हाई टॉस पे के नीड यहाँ पे जरूर जाता हुआ, फोर फूल्स फुल मैन स्क्वाड के साथ सिनेरियो, मुफ्ती विस्की 4F हंटर यहाँ पे जरूर इनके साथ रहेंगे। फार की बात करते हैं बिल्कुल एक इशाची पे एक नॉकआउट यहाँ पे जरूर निकाला गया था, लेकिन रिवाइवल यहाँ पे मिल चुका है। एलएम यहाँ पे टू मैन स्क्वाड के साथ रहने वाली, दो प्लेयर यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। एसजी बिल्कुल यहाँ पे इनके सामने, मुन्नो को यहाँ पे पिक किया, मुन्नो को यहाँ पे डाउन किया। सामने अगर एसिड बर्न की बात करते हैं, एसिड बर्न यहाँ पे रिटेलिएशन में बिल्कुल फायर किए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे अभी के लिए कवर में जाना पड़ेगा। इनके एक्सो बिल्कुल ने स्पॉट कर चुके हैं, एक्सो अब सामने की तरफ स्मोक करके इस स्पॉट से आई गेस यहाँ पे क्लोज इन करने के लिए जरूर जाना चाहिए। प्लीज उनके भी बिल्कुल यहाँ पे टीम बाहर रहने वाली, छठा सर्कल हमारा कट चुका है, 10 टीम बिल्कुल इनकी बात कर रहे हैं। पॉइंट ब्लैंक के फ्रैगर को यहां पे डाउन किया, कंफर्म यहां पे ब्लैगर को किया। वार गॉड की अगर बात करते चलें तो यहां पे एसिड बर्न को भी डाउन किया जाएगा। इस ट्रेड में यहां पे एलएम एक्सो डब्ल्यूएनएल एक नॉकआउट जरूर यहां पे निकाल दिए। वार की बात करते चलें बिल्कुल गॉडफादर यहां पे डाउन, इनसेन यहां पे अकेले रहने वाले, स्मोक से यहां पे इनकी तरफ से बिल्कुल भरपूर किए जा रहे। गोस्ट टोपी गॉड यहाँ पे कातिल ने एक नॉकआउट जरूर, मुफ्ती विस्की की बात की जाए एचएमयू फ्रैगी पे एक नॉकआउट यहाँ पे देखने को मिलता है। एलएम की बात की जाए अकेले यहाँ पे एलएम एसपी राइजन रहने वाले, विस्की की तरफ एक बार हम चलेंगे। विस्की यहाँ पे बिल्कुल कुछ अलग ही विस्की वाला गेम प्ले हमें दिखाते हुए सामने बिल्कुल एचएमयू की टीम रहने वाली, एचएमयू के आई गेस यहाँ पे फ्रैगी जो बिल्कुल डाउन पड़े, अमान यहाँ पे इनके साथ रहेंगे, अमान के साथ बिल्कुल बबलू भी रहने वाले थ्री मैन स्क्वाड के साथ यहाँ पे एचएमयू की टीम। फाइनल 9 टीम बिल्कुल एक नेट जाता हुआ विस्की भाई का, विस्की यहाँ पे बिल्कुल फ्रैगी को कन्फर्म करते हुए, यहां से बिल्कुल कंफर्म होते हुए एचएमयू बबलू के यहां पे पिक किया। स्काई की तरफ से बिल्कुल स्काई यहां पे बबलू को भी डाउन करेंगे, यहां पे अमान अकेले अपनी टीम के, अमान यहां पे गोस्ट को पिक करेंगे, गोस्ट पे यहां पे डैमेज पड़ता है। सेवन वाजिद की बात की जाए, वाजिद यहां पे गॉड पे एक नॉकआउट जरूर निकालेंगे, योर साहिल यहां पे इनके साथ रहेंगे। बिल्कुल अमान की बात की जाए, अमान यहाँ पे गोश्त को भी पे नॉकआउट जरूर निकालते हुए नजर आएंगे। सामने फोर फूल्स की टीम एसजी, मुनो की बात की जाए, मुनो की तरफ से यहाँ पे योश साहिल पे नॉकआउट देखने को मिलता हुआ। बिलीवर की बात करते चले, बिलीवर यहाँ पे बिल्कुल एक नॉकआउट निकालेंगे, एसजी मुनो को यहाँ पे डाउन किया जाएगा। एसजी बिल्कुल बिखरी हुई नजर आ रही, दो प्लेयर यहाँ पे एसजी के आई गेस यहाँ पे अभी के लिए डाउन पड़े हुए। जी हाँ बिल्कुल एडीओपी यहाँ पे डाउन, मुनो ओपी यहाँ पे डाउन, सामने की तरफ प्लेस उनके अंदर जाना पड़ेगा। स्मोक यहाँ पे आगे की तरफ भरपूर किए जा रहे हैं, अब देखना पड़ेगा सामने टीम जरूर रहने वाली क्या यहाँ से। सेवन एस वाजिद, जी हाँ बिल्कुल वाजिद यहाँ पे सामने की तरफ रहेंगे, बिल्कुल एक वाजिद की तरफ से MP14 के साथ इन्हें डाउन किया जाएगा। यहां पे प्लीज उनके साथ एडी भी जरूर डाउन होते हुए, जी आईडी यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे। 7 शॉट यहाँ पे डाउन पड़े हुए, यहाँ पे 20 अकेले अपनी टीम के। लिन की बात की जाए, 7 एसिड बर्न को यहाँ पे इनकी तरफ से कंफर्म किया जाएगा, 20 को भी अकेले। पैकेट यहाँ पे 20 को भी बिलीवर की तरफ से पिक किया जाएगा। मुफ्ती विस्की की बात की जाए, मुफ्ती विस्की यहाँ पे 7 स्पाइडर को पिक करेंगे, वाइपर को यहाँ पे डाउन किया। फाइनल 16 प्लेयर अभी के लिए इस मैच में हमारे लाइव। गॉड की बात की जाए, टू मैन स्क्वाड के साथ गोस्ट ओपी यहाँ पे इनके कंफर्म हो चुके हैं। 4F यहाँ पे फुल मैन स्क्वाड के साथ 6 फिनिश पॉइंट यहाँ पे टीम पे रहने वाले। और फार टू सून की बात की जाए, 6 फिनिश पॉइंट के साथ टीम एलएम की बात करते चले, बिल्कुल एसपी राइजन अकेले अपनी टीम के, कोई भी फिनिश पॉइंट यहाँ पे इन पे नहीं रहने वाला। और वार की वहीं बात की जाए, बिल्कुल इनसेन गॉडफादर जो बिल्कुल डाउन पड़े थे, रिवाइवल यहाँ पे मिल चुका है टू मैन स्क्वाड के साथ, ये लोग यहाँ पे रहेंगे। बिलीवर यहाँ पे यूर साहिल वाजिद जो बिल्कुल डाउन थे, रिवाइवल यहाँ पे मिल चुका है थ्री मैन स्क्वाड के साथ। टीएसके लिनक्स वाइटी यहाँ पे अकेले देखने को मिलते हैं, पूरी टीम 3 फिनिश पॉइंट इनके अपने 3 फिनिश पॉइंट। एचएमयू की बात की जाए, अमान यहां पे अकेले यहां पे जरूर रहने वाले। तो PB65 लकी राजपूत, तो शुक्रिया शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू। तो बिल्कुल स्ट्रीम पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया स्ट्रीम को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। 8 टीम से 16 प्लेस, 7वां सर्कल भी हमारा कट चुका है, तो अब यहाँ पे टीम से बिल्कुल क्लोज आती हुई नजर आ रही। सामने बैक एंड अगर वार की बात करते चले, वार यहाँ पे निकल के आ चुके हैं, यहाँ पे गार्ड की तरफ से एक नेट जाता हुआ भाई, अगर ये नेट आपने सही ठिकाने पर कर दिया तो वार की टीम यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। बिल्कुल एक नेट, दूसरा नेट यहाँ पे जाता हुआ, हल्का सा नेट सामने की तरफ, लेकिन वार भी बिल्कुल जानते हैं कि सामने कोई टीम है, एक नेट
यहाँ पे ट्रेड में उनकी तरफ से भी आता हुआ, ये नेट यहाँ पे टीएस की तरफ से जाता हुआ। लिन वाइटी का देखना पड़ेगा भाई साहब आप कहाँ पे हो, तो बिल्कुल लिन वाइटी आप देख सकते हैं यहाँ पे घास में छिपे हुए, एक नेट यहाँ पे इनकी तरफ से गया, दोनों पे इसको फिनिश किया। अब यहाँ पे गॉड को भी डाउन किया, गॉड यहाँ पे डाउन, कातिल यहाँ पे इनके सामने, पांचवा फिनिश पॉइंट यहाँ पे निकाल चुके हैं। वह फाटूस उनको भी अभी के लिए डाउन किया जाएगा। कातिल जो बिल्कुल डॉट एचपी पे अभी के लिए यहाँ पे 10% एचपी पे बचे हुए, यहाँ पे लिन सामने की तरफ आ चुके हैं गार्ड को फिनिश करने के लिए। बिल्कुल गार्ड पे यहाँ पे इनकी तरफ से फिनिश किया जाएगा, लिन का ये छठा फिनिश पॉइंट। कातिल बिल्कुल यहाँ पे इनके सामने रहेंगे, कातिल अभी के लिए यहाँ पे बिल्कुल बूस्ट अप हो चुके हैं। कातिल यहाँ पे बैकहेंड कातिल को पिक किया जाएगा, कातिल जो बिल्कुल हेल्थ इनकी काफी डाउन थी, कातिल को यहाँ पे लिन की तरफ से पिक किया जाएगा। लिन यहाँ पे बिल्कुल सातवां फिनिश पॉइंट इस मैच में लेके जाते हुए। तो अब यहाँ पे फाइनल छह टीम्स यहाँ पे इस मैच पे हमारी रहने वाली, फोर फूल्स बिल्कुल एक अपर है यहाँ पे फुल मेंस कार्ड के साथ। हंटर की बात की जाए, हंटर यहाँ पे बिल्कुल टीम इटाची पे एक नॉकआउट जरूर निकालेंगे। कैसे यहाँ पे इटाची जो अकेले अपनी टीम की वजह से इटाची को यहाँ पे मस्ती का टू मेंस कार्ड के साथ फार्गी ये टीम रहने वाली है, तो बिल्कुल इटाची यहाँ पे डाउन। सोन की तरफ बिल्कुल नेर से यहाँ पे भरपूर किए जा रहे, टाइम भी यहाँ पे इन पे रिवाइवल मिलता हुआ बिलीवर यूर साहिल थ्री मेंस कार्ड के साथ। पीएस लेन पार्टी बिल्कुल सोलो सर्वाइवर यहाँ पे, क्या ही गेम प्लान का देखने को मिला। हंटर की तरफ से बिल्कुल फार टू सोन को भी कन्फर्म कर दिया जाएगा, दोनों प्लेयर्स को यहाँ पे हंटर कन्फर्म करेंगे। चौथा फिनिश पॉइंट फोर एफ की तरफ से आठवां फिनिश पॉइंट यहां पे देखने को मिलता हुआ। तो अब यहां पे बिल्कुल फाइनल चार टीम रहने वाली, 1v1v3v4 का ये सिनेरियो। एचएमयू अमान बिल्कुल एक स्पॉट पे एफपीपी मोड में अभी के लिए, एम्फ एकेएम विद रेड डॉट लगाए हुए बिल्कुल यहां पे दरवाजे पे वेट किए जा रहे, क्या यहां पे कोई टीम इनकी तरफ आती है बिल्कुल इजीली टेक डाउन ये यहां पे कर सकते हैं। स्काई की बात करते हैं, स्काई यहाँ पे फुल मेन स्क्वाड के साथ इनकी टीम सिनारियो एक फिनिश पॉइंट, मुफ्ती इसकी का एक फिनिश पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता हुआ। हंटर चार फिनिश पॉइंट के साथ जरूर रहेंगे। बिल्कुल एक सिनारियो की तरफ से एक मॉलोट हुआ था, जल्दी भाई बूस्ट अप करना पड़ेगा नहीं तो आप यहाँ पे डाउन हो जाओगे। जी हाँ बिल्कुल एक अच्छी स्ट्रेटजी प्रोनेन करना यहाँ पे इनका काम आता हुआ, यहाँ पे बूस्ट अप जल्दी करना पड़ेगा। बिलीवर यूर साहिल सेवन एस वाजिद पूरी टीम चार फिनिश पॉइंट के साथ अभी के लिए यहाँ पे देखने को मिलती है। टीएस की बात की जाए, लिन वाइटी सात फिनिश पॉइंट अभी तक निकाल चुके हैं। अच्छा बिल्कुल विस्की अभी के लिए निकल के जाते हुए, विस्की के सामने टीएस लिन रहने वाले, लिन यहाँ पे बिल्कुल प्रोनेन किए हुए। लिन की अगर बात करते चले बिल्कुल मुफ्ती विस्की हंटर यहाँ पे इनके सामने, ब्लीवर के एक नेट के साथ सिनारियो अभी के लिए यहाँ पे डाउन किए जाएंगे। यहाँ पे अब देखना पड़ेगा क्या टीएस लिन वाइटी एक और फिनिश पॉइंट यहाँ पे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल जंप शॉट यहाँ पे लेकिन डैमेज दोनों साइड हल्का हल्का जरूर पड़ता हुआ। अच्छा बिल्कुल लिन निकल चुके हैं, लिन यहाँ पे बिल्कुल प्री फायर की आड़ में यहाँ पे सामने की तरफ बनेंगे, यहाँ पे इजीली टेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन नहीं, क्या ही बात, यहाँ पे फोर एफ हंटर की एक जंप शॉट यहाँ पे इनकी तरफ से आता हुआ लिन को यहाँ पे कंफर्म किया। एचएमयू की बात की जाए, अकेले यहाँ पे ये भी अभी के लिए अमान रहने वाले। फाइनल तीन टीम्स 1v3v4 का ये सिनेरियो बन चुका है। यहाँ पे मुफ्ती जिसकी सिनेरियो की बात की जाए, जो बिल्कुल डाउन पड़े थे रिवाइवल मिल चुका है, बूस्ट अप हो चुके हैं। एक अच्छी फाइट यहाँ पे हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 3v3 की 3v4 की ये फाइट इनके सामने। एचएमयू अमान बिल्कुल इस सिचुएशन का यहां पे फायदा उठा सकते हैं। फाइनल तीन टीम्स आठ प्लेयर अभी के लिए हमारे इस मैच में जुड़े हुए। बिल्कुल जी हाँ, स्ट्रीम पे अभी के लिए जितने भी लोग जुड़े हैं, जिन लोगों ने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया स्ट्रीम को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। स्काई की बात की जाए, स्काई एक ओपनिंग यहाँ पे क्रिएट करते हुए, यूर साहिल को यहाँ पे पिक किया, साहिल का यहाँ पे बचना काफी मुश्किल। बिल्कुल यहाँ पे ब्लीड आउट होते हुए नजर आएंगे प्लेयर्स, उनके साथ मुफ्ती विस्की भी यहाँ पे डाउन हो जाएंगे। यहाँ पे एचएमयू अमान आई गेस यहाँ पे स्टेशन का भरपूर फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे अमान को भी निकल के प्लेयर्स उनके अंदर जाना पड़ेगा। तीन फर्स्ट एड किट यहाँ पे इनके पास रहने वाली, ब्लीवर की वही बात करते चले, ब्लीवर के यहाँ पे निकल के जाना पड़ेगा, लेकिन सामने स्काई यहाँ पे इनका वेट किया जा रहा है। स्काई यहां पे बिल्कुल एक और नॉकआउट जरूर निकालेंगे प्लेज उनके साथ। एचएमयू अमान भी अभी के लिए डाउन, वाजिद यहां पे बिल्कुल बूस्ट अप करने की पूरी कोशिश किए जा रहे। फोर एफ स्काई यहां पे बिल्कुल प्लेज उनके, अब यहां पे नेक्स्ट आई गेस यहां पे डेथ सर्कल ही बनने जा रहा है, लेकिन यहां पे तब तक 7S वाजिद का सर्वाइव करना काफी मुश्किल। इसके बाद इनके पास बिल्कुल तीन फर्स्ट एड किट रहने वाली, हंटर यहां पे बिल्कुल बूस्ट अप किए जा रहे हर साइड से। यहां पे बिल्कुल आई गेस यहां पे डेथ सर्कल बन चुका है, जी हां बिल्कुल डेथ सर्कल प्लेज उनके साथ। फोर एफ स्काई यहां पे डाउन, लेकिन यहां पे फोर एफ स्काई यहां पे डाउन होते, लेकिन 7S की अगर बात करते चले, वाजिद की यहां पे फर्स्ट एड्स खत्म होगी, 4F यहां पे चिकन ने लेके जाती हुई, टोटल 11 फिनिश पॉइंट यहां पे 4F के पास रहेंगे। सेकंड स्पॉट योर साहिल इनके पास रहने वाली, 7S के पास 5 फिनिश पॉइंट के साथ। थर्ड स्पॉट 147 के पास रहेगी, इनकी तरफ से हमें 8 फिनिश देखने को। इट्स फोर्थ स्पॉट हमारी टीएस के पास, गजब गेम प्ले हमें टीएस के लिन वाइटी की तरफ से देखने को मिला, अकेले यहां पे बचे हुए थे, 7 फिनिश निकाले, अच्छा सा नेड यहां पे इनका देखने को मिला, वार की टीम को जहां पे फिनिश किया था।
फिफ्थ पे टीम फार रहने वाली, सिक्स पे टीम एलम, यहाँ पे सेवन्थ पे गोस्ट की टीम एट स्पॉट विज के पास रहेगी, वार के पास, नाइन्थ स्पॉट एस जी के पास रहने वाली, टेंथ पे पॉइंट ब्लैंक की टीम यहाँ पे, अलेवन स्पॉट सेवन डी एस, ट्वेल्थ पे इवो की टीम, थर्टीन पे नेक्सस, फोर्टीन पे टीम एलम, फिफ्टीन एक्स टी के पास रहेगी, सिक्सटीन एन एस जी के पास, सेवनटीन स्पॉट फाइव एम एम के पास, एटीन आई टी के पास, और फाइनल स्पॉट इस मैच का टीम फाइटर्स के पास। सीधा स्टार ऑफ द मैच की तरफ चलते हैं तो बिल्कुल टी एस लिन वाइट यहाँ पे स्टार ऑफ द मैच, सात फिनिश पॉइंट, बेस्ट कैंपेनियन, सेवन डी एस स्टॉक यहाँ पे तीन रिवाइवल के साथ रहेंगे। तो बिल्कुल डे थ्री अभी के लिए हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ। स्ट्रीम पे अभी के लिए हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया स्ट्रीम को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो कल इंशाल्लाह जो हमारा क्वालिफायर्स का फाइनल डे खेला जाएगा तो फिर जुड़ते हैं हम आप लोगों से उसी टाइम। तब तक के लिए सब लोगों को अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, टेक केयर।